एवरी वन एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल हम्म हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं मुझे देखने में मुझे सुनने में दो हजार बाईस दो हजार 2022 वाले बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं जो कि uh, 2022 का एग्जाम देना चाह रहे हैं और बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही थी क्योंकि कुछ नेट पे इशू था Uh, मेरे स्टूडियो में कुछ इशू था जिसके के कारण कल क्लास नहीं लग पाई ये कल क्लास लगनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं हम आज शुरू कर लेते हैं ठीक है एक दिन में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी आज की क्लास का मोटिव ये है कि भैया एनिमल टिश्यू में से कोई भी क्वेश्चन तुमको नीट में पूछ लिया जाए वो तुम ईजीली कर पाओ सो so, ये जो पी पी टीज हैं ये एन सी आर टी का एक्सट्रैक्ट है एन सी आर टी में से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो इन पी पी टीज़ में आपको मिल जाएगा तो अगर आप ये क्लास ध्यान से सुन लेते हैं तो ये मेरा मानना है कि आप हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन ठीक कर पाओगे ठीक है जी पर इसका मतलब ये नहीं है कि एन सी आर टी नहीं पढ़नी है एन सी आर टी ज़रूर पढ़ो पीपीटी से पढ़ लो रिवाइज़ कर लो बट आपको पता है एनसीईआरटी के छः सात रिवीजन ज़रूरी हैं तो एक रिवीजन मेरी पीपीटी से कर लो तो अगला रिवीजन तो एनसीईआरटी से कर लो ना जैसे भी कर लो दे आर लाइक शॉर्ट नोट्स यू कैन यूज़ देम एंड ऑल्सो आई हैव पी वाई क्यूज पास्ट ईयर क्वेश्चन जिनको करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि रियली really सारे क्वेश्चन यहीं से ही आ रहे हैं मुझे और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है मैं चाहती हूँ ऐसे ही क्लासेज में तुम्हारी बाकी चैप्टर्स की भी ले पाऊँ पर यह देखना पड़ेगा कि मैं नीट तक कितने चैप्टर्स ऐसे करा पाती हूँ ओके लेट स्टार्ट थोड़ा सा ए सी ज्यादा ही ठंडा है रुको ओके ओकेडमी प्लस पे डिटेल्ड क्लासेस चलती हैं आई डोंट नो मेरा नंबर क्यों नहीं दिया हुआ यहां पे ओके okay. अन अकेडमी प्लस पर डिटेल्ड क्लासेस चल रही हैं नीट 2022 के लिए और 2023 के लिए सो so, नीट 2023 के लिए यदि आप वन ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 24 के लिए आप टू ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कोड आर आई टी यू यूज़ करके ले सकते हैं एंड आई हैव अ अल्पलाइन नंबर विच इज़ नॉट दिस नंबर आई हैव अ स्पेसिफिक हेल्पलाइन नंबर जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूँगी आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है आर आई टी यू रितु रतेवाल आर ए डब्ल टी ई डब्ल्यू एल ऋतु रतेवाल जाके टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें कुछ पचास साठ हज़ार बच्चे हैं उस पर आप क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आज की पी पी टी के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ठीक है और अभी आम, 2022 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है जहाँ पे ह्यूमन सो ऑल स्टार बैच चल रहा है क्रैश कोर्स का जिसमें कि जो बायोलॉजी uh, के बेस्ट टीचर्स हैं इवन सारे नीट के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो एक एक यूनिट कवर कराएंगे फिजिक्स का केमिस्ट्री का अब जैसे बायोलॉजी में ही कई सारे टीचर्स मिलकर क्रैश कोर्स कराएंगे जिसमें कि मेरे हिस्से में ह्यूमन फिजियोलॉजी आया है सो so मैं आपको 13 अप्रैल से वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कराऊंगी क्रैश कोर्स जो मैं एक हफ्ते में खत्म करा दूंगी सो so उसके नोट्स अभी बनने लगे हुए हैं सो यू कैन ज्वाइन प्लस फॉर दैट ऑल्सो यूजिंग कोड आर आई टी टीक्यू चलो नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये चैप्टर का नाम है इसमें जो पहला पार्ट है वो है एनिमल टिश्यू कि भैया जितने कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं जो इतने एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं उसमें कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि भैया चार प्रकार के टिश्यू हैं एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू ठीक है नहीं जानते तो जान जाओ चार प्रकार के टिश्यू हैं तो हम आज की क्लास उन चार प्रकार के टिश्यूज़ के लिए है उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एक पार्ट है जिसमें कॉकरोच पढ़ाया गया है देन अर्थवॉर्म पढ़ाया गया है और फ्रॉग पढ़ाया गया है इसको हम बाद में करेंगे आज का टॉपिक सिर्फ एनिमल टिश्यू पे है सो so, क्योंकि हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट वट अ टिश्यू इज वट इज अ टिश्यू ठीक है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स नॉट से इंटरसेलुलर मेट्रिक उसके अंदर देखो सेल्स जैसे पड़े होते हैं तो सेल्स कभी भी ऐसे हवा में नहीं लटके होते इनके बीच में यहां पर कुछ मेटीरियल होगा जिसको हम कुछ नामों से पुकारते हैं इसी को इंटर सेल्यूलर मेट्रिक्स कहते हैं इसी को इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में इसी को ही एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स भी कहते हैं सेल्स के बाहर तो आप कहते हो मैम ये तो गलत बात है इंटर भी और एक्स्ट्रा भी इंटरसेल्युलर दो सेल्स के बीच में एक सेल दूसरा सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर मेट्रिक्स ठीक है सभी टिश्यूज में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा ठीक है किसी में ज्यादा किसी में कम सबसे कम जो इंटरसेल्युलर मेट्रिक देखने, देखने के लिए मिलता है वो एपिथिलियल टिश्यू में देखने के लिए मिलता है दे आर वेरी क्लोज टुगेदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इंटरसेल्युलर मेट्रिक्स है और जो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है वो कनेक्टिव टिश्यू में देखने के लिए मिलता है वो कनेक्टिव टिश्यू में देखने के लिए मिलता है उसमें सेल्स बहुत दूर दूर होते हैं और सेल्स ही सेक्रेट करते हैं इस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को ठीक है जी सो so, टिश्यू क्या है सिमिलर सेल्स और उनके बीच का इंटरसेलर मेट्रिक्स भी a common origin. इसका क्या मतलब है देखो टिश्यू का तीन प्रकार का ओरिजिन हो सकता है या तो एंडोडर्म से बना होगा टिश्यू या मीजोडर्म से बना होगा टिश्यू या एक्टोडर्म से बना होगा टिश्यू ये तीन प्रकार के ओरिजिन हो सकते हैं ये क्या है दीज आर जर्म लेयर्स बेसिक जर्म लेयर्स जब बेबी वूम्ब uh, में डेवलप हो रहा होता है तो पहले ऐसा बच्चा नहीं होता जैसा बच्चा हमें दिखता है ह्यूमन का सबसे पहले बस तीन प्लेट होती हैं जैसे रोटियाँ होती हैं ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे तीन सेलुलर प्लेट्स होती हैं जिनको हम जर्म लेयर्स कहते हैं ठीक है थेके? उन लेयर्स को बोलते हैं हम एंडोडर्म जो सबसे नीचे होती है फिर मीजोडर्म एक्टोडर्म जो सबसे ऊपर होती है जस्ट लाइक लाइक दिस जैसे ये तीन है ठीक है हालांकि वो गोल होती हैं ये रेक्टेंगुलर है तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी होती हैं ऐसे पड़ी होती हैं तीन जर्म लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी होती हैं ठीक है थेके? तो इनमें जो सबसे नीचे होती है वो एंडोडर्म होती है जो बीच वाली होती है वो मीज़ोडर्म होती है और जो सबसे ऊपर वाली होती है वो एक्टोडर्म होती है इनसे पूरे बेबी के सारे आगे टिश्यूज़ बनेंगे जो मस्कुलर है कनेक्टिव है न्यूरल है होता क्या है ये ट्यूब ऐसे ये ऐसे फोल्ड हो जाती है ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है देख हो ऐसे फोल्ड हो जाता है ठीक है यहाँ से बच्चे के हाथ बन जाते हैं यहाँ से बच्चे की टांगे बन जाती हैं इस तरीके से सो so, एक्टोडर्म सबसे ऊपर की लेयर होती है मीजोडर्म बीच में रह जाती है और एंडोडर्म सबसे अंदर चली जाती है और वहाँ से वो अपने अपने टिश्यूज़ को जन्म देती है सो so, जनरली एक प्रकार के टिश्यू का ओरिजिन भी एक ही होता है जैसे सारे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्म है ठीक है सारे नर्वस टिश्यू का ओरिजिन ओरिजन एक्टोडर्मल इसका एक्सेप्शन होता है बट वो एक्सेप्शन आपके सिलेबस में नहीं है आपको यही लर्न करना है कि कॉमन ओरिजिन में होता है ठीक है एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन हर एक टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन है कवर करना बॉडी ऑर्गन्स को कवर करना बाहर से अंदर से कवर करना पूरी बॉडी को कवर करना ठीक है कवरिंग टिश्यू है वो एक ठीक है कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है चीजों को कनेक्ट करना एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना एंड भी बहुत सारे फंक्शन हैं। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है बेसिकली लोको और मूवमेंट कराना ठीक है हमारी बॉडी में तीन प्रकार की मूवमेंट होती है वो ने उसमें पढ़ा है किसमें पढ़ा है लोको मोशन मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा है एमीबॉय मूवमेंट और कौन सी थी सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट तो मस्कुलर मूवमेंट इज द मेजर मूवमेंट तो जितना भी मूवमेंट और लोकोमोशन हमारी बॉडी में होता है मेजरली मस्कुलर मूवमेंट होता है एंड न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू का स्पेसिफिक काम क्या है चीजों को सेंस करना इन्वायरमेंट को सेंस करना उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और फिर वहां से डिटेल्ड मोटर कमांड देना कि भैया ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ठीक है सो हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर हो गई है आगे चले चले लेट्स मूव फॉरवर्ड सो टिश्यू चार प्रकार का होता है जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं एपिथीलियल टिश्यू जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे फिर कनेक्टिव टिश्यू देन मस्कुलर देन न्यूरल देखो कनेक्टिव और मस्कुलर का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है इसको ध्यान रखना है ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है इसका इसका देन न्यूरल टिश्यू हमेशा एक्टोडर्मल होता है ठीक है और जो एपिथील टिश्यू है वो लोकेशन के हिसाब से एक्टोडर्मल भी हो सकती है एंडोडर्मल भी हो सकती है और मीजोडर्मल भी हो सकती है जैसे जो स्किन के ऊपर जो यहाँ पे एपिथील टिश्यू है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ठीक है तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल लेकिन अगर मेरी इंटेस्टाइन की बात करूँ उसके अंदर जो लेयरिंग है सबसे अंदर ठीक है अगर उसके एपिथीलियम की बात करूँ तो वो एंडोडर्मल है सो so, जगह जगह पे इसका ओरिजिन डिफरेंट होगा सो ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसका ओरिजिन तीन प्रकार से बनता है एक्टो एंडो और मिजोराम जो आपको ध्यान रखना है आगे चलते हैं एपिथिलियल टिश्यू इसके फंक्शन देख लेते हैं प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है हैज अ फ्री सरफेस विच फेसिस अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एन्वायरमेंट देखो एपिथिल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसे होगा इसके नीचे एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं हालांकि मैंने अगले उसमें डायग्राम में बनाया ही हुआ है देखो इसमें एक नॉन सेलुलर लेयर होती है नीचे जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं जो कि नॉन सेलुलर है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि भैया बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सेलुलर है कि नॉन सेलुलर है कोई सेल्स नहीं होते बेसमेंट मेम्ब्रेन में देन दूसरा क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है कि इसका ओरिजिन क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन का ओरिजिन क्या है ये बनती कैसे है तो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो जनरली एपी ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना एपिथेलियल सेल्स है उनसे सिक्रीट हुआ हुआ सब्सटेंस है ठीक है जनरली उनसे सिक्रीट हुआ सब्सटेंस है और यहाँ पे नीचे जनरली कनेक्टिव टिश्यू मिलता है आपको जनरली यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू मिलता है उससे सिक्रीट हुआ सब्सटेंस हुआ है सो so, आसपास के टिश्यूज ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को सिक्रेट करते हैं मेनली जो है एपिथेलियल टिश्यू ही सिक्रेट करती है कोई सेल्स नहीं होते और बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आपको एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी ठीक so, है सो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है न्यूट्रिशन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से होता हुआ पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है और फिर एपिथेलियल टिश्यू के पास जाता है क्यों क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई भी नो ब्लड सप्लाई है नो ब्लड सप्लाई को अगर मैं अच्छी भाषा में लिखने चाहूं तो मैं कहूंगी इट इज ए वैस्क्यूलर इट इज एस्क्यूलर नो ब्लड सप्लाई तो कुछ बच्चे कराते हैं एग्जाम में कि अच्छा फिर ब्लड वेसल नहीं होगा तो नर्व भी नहीं होगा नहीं बेटा नर्वस सप्लाई होगी यहां मिनट नर्वस सप्लाई होगी तभी तो आपको चीजें फील होती हैं नहीं तो आपको स्किन पे कुछ फील ही नहीं होगा सो नर्वस सप्लाई होगी बट देर इज नो ब्लड सप्लाई तो इसका जितना भी न्यूट्रिशन है नीचे के कनेक्टिव टिश्यू से ही आता है हमेशा ठीक है जी तो इसका एक होता है फ्री सर्फेस जैसे फ्री सर्फेस ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है किसको फेस कर रहा है बेसिकली ठीक है ना नहीं फ्री सर्फेस हमेशा ये होता है ठीक है फ्री सर्फेस जो कि या तो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या आउटसाइड द बॉडी को फेस करेगा ठीक so, है आ जाओ सो हैज अ फ्री इज अ बॉडी सर्फेसूड और आउटसाइड इनवायरमेंट वेरी लेस इंटरसेलर एनसीआर में दिया हुआ है आपको लगता होगा कि नहीं है बट है कम है बहुत ज्यादा एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार का होता है सिंपल एपिथिलियम और कंपाउंड एपिथीलियम सिंपल एपीथिलियम में क्या होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी और कंपाउंड एपीथीलियम में बेसमेंट लेयर के ऊपर एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल होगी कंपाउंड एपीथिलियम का बेसिक पर्पज प्रोटेक्शन है यहाँ नीचे पड़े हुए जो टिश्यूज या ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है बेसमेंट जहां पे भी ज्यादा लेयर्स हैं जहाँ एक सिंगल लेयर है इसका काम कभी भी प्रोटेक्शन नहीं होगा डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल इस शेप की इस सेल की शेप क्या है इसके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं जैसे कि सिंपल का लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज डक्ट्स एंड ट्यूब्स बॉडी कैविटीज बॉडी ऑर्गन्स बॉडी ट्यूब्स को लाइन करता है बेसिकली ये फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप अगर आपके सेल्स पिचके हुए बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स जो हैं ऐसे पिचके हुए हैं जैसे इनके ऊपर किसी ने लात मार के इनको ऐसे पिचका दिया है फोड़ दिया है तो इनको बोलेंगे स्कोम एपिथीलियम अगर ये क्यूब की शेप के हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम है अगर क्यूब की शेप में होने के बाद इनके साइटोप्लाज्म ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहा है इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई बोलते हैं ठीक है माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ाना माइक्रोविलाई आर नॉट मूवेबल दे डोंट मूव एक्चुअली ठीक है दे आर स्टेबल लाइक दिस एंड देयर ओनली पर्पस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ठीक है ये वहां पे मिलेंगे जहां पे भी बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होना है किसी चीज का where there is lot of absorption you will find this kind of cuboidal tissue simple cuboidal tissue hai but with a slight bit of modification so this is called brush border cuboidal okay next then columnar agar aapke cells lambe lambe hain और यहाँ पे उनका tissue जो है बीच में ना होके थोड़ा नीचे आ गया है तो इसको हम columnar कहेंगे का भी मॉडिफिकेशन ब्रश बॉर्डर कॉलमर हो सकता है अगर उसके ऊपर माइक्रोवेल है सिंपल फॉर लॉट ऑफ ठीक है ब्रश बॉर्डर कॉलमर देन सिलियेटेड में आ सकते हैं कलमनर के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे देयर विल बी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नाउ आर नॉट साइटोप्लाजमिक प्रोजेक्शन दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया एंड दे आर मूवेबल एक्चुअली इनका काम ही मूव करना है दे आर मूवेबल दे मूव लाइक दिस ठीक है एंड वॉट डू दे डू जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे सीलियां हैं तो वो उस ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करते हैं जैसे कि पैरामीशियम के पास सीलियां हैं स्लिपर एनिमल की उल उसके पास सीलिया है तो ऐसे ऐसे करके आगे आगे मूव कर जाएगा बट अगर ह्यूमन बॉडी में सीलियां तो ये सेल को मूव करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे इन स्टेड सम सब्सटांस इज देअर एंड दे विल जस्ट पुश दिस सब्स्टांस फर्दर ऑन ठीक है इस पे बार बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है अभी आप पीवाई में देख लेना सिलियेटेड कलमनर कहा मिलता है सिलिटेड कलमनर कहा मिलता है हमेशा इसका आंसर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है एक तो ठीक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सारा मिलता है सिलियेड क्यूबॉइडल भी मिलता है सिलेटेड कलमनर भी मिलता है सूडो स्टिफाइड सिलेटेड भी मिलता है ठीक है सो क्या होता है और हमेशा सिलेटेड कलमनर पे क्वेश्चन आता है क्यूबॉइडल पे एक आधी पर क्वेश्चन आया मेजरली सिलेटेड कलमनर पे क्वेश्चन आया क्या क्वेश्चन है कहां मिलता है एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो मैं ट्रैकिया भी पूछ सकते हैं पर मेजरली पूछते हैं मोस्टली यू गेट क्वेश्चन ऑन एंड ट्यूब फीमेल की फलोपियन ट्यूब में आपके कॉलुमनर सिलियेटेड पड़े होते हैं जो कि ओवम को धक्के मार मार के आगे पुश कर देते हैं ठीक है सिमिलरली ब्रॉन्क्यूल्स में और ट्रैकिया में ये म्यूकस को ऊपर पुश करते हैं बार बार क्वेश्चन आता रहता है ठीक है सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है होते ये कलमनर सेल्स हैं लेकिन ये आपस में ज्यादा चिपक गए हैं तो कुछ कलमनर सेल्स छोटे रह जाते हैं उनका न्यूक्लियस नीचे रह जाता है कुछ कलमनर सेल्स लंबे हो जाते हैं उनका न्यूक्लियस ऊपर हो जाता है तो देख के ऐसा लगता है दैट आर आर टू टू लेयर ऑफ ऑफ सेल्स बिकॉज इज लेयर्स बट एक्चुअली दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इट इज नॉट स्ट्रेटिफाइड इट इज स्ट्रेटिफाइड, ठीक है क्यों क्योंकि सारे सेल्स का बेस तो नीचे लगी रहे ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सो दे आर स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड आपको सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में याद करना है और ये भी जनरली आपको सिलियेटेड मिलते हैं जो ये ऊपर लंबे वाले सेल्स होते हैं जनरली इनके पास सिलिय होता है वही काम है म्यूकस बाहर धकेलने का एंड देन ग्लैंडुलर एपिथिलियम इस हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड बनते हैं दे आर मेड अप ऑफ एपीथिलियल टिश्यू ओनली नो अदर टिश्यू इज गोइंग टू मेक ग्लैंड्स इन योर बॉडी ओके ऑलवेज एपीथिलियल टिश्यू इज गोइंग टू मेक ग्लैंड सो दिस इज ऑल सिंपल एपिथीलियम के टाइप्स सिंपल एपिथिलियम के आगे आगे फर्दर टाइप्स है ग्लैंडुलर में क्या क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं मैं वो बात करती हूँ ठीक है आ जाओ अगर बात करें कंपाउंड एपिथिलियम की सिर्फ प्रोटेक्शन मेन काम है इनका ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड दो प्रकार की कंपाउंड एपिथिलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम एक्चुअली होती ये कंपाउंड एपिथिलियम ही है ये जब इस ये स्ट्रेचेबल सी एपिथिलियम होती है जब ये नॉर्मल होती है अनस्ट्रेच्ड तो इसके ऊपर वाले सेल्स क्यूबॉयडल नज़र आते हैं जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो नीचे तो कोई भी सेल्स हो जब ये अनस्ट्रेच्ड पे होती है तो यहाँ पे क्यूबॉयडल सेल्स नजर आते हैं और जब ये स्ट्रेच होती है जब ये स्ट्रेच होती है तो जो ऊपर वाले सेल्स हैं सबसे टॉप वाले सेल्स हैं वो स्क्वामस नजर आते हैं खिंच जाते हैं ना लंबे लंबे ऐसे खिंच जाते हैं ठीक है थेके? तो ये इसके ऊपर टॉप लेयर जो है वो शेप चेंज करती है और ये आपको मिलती है यूरिनरी ब्लैडर में क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में सूसू भरता है तो जब सूसू भरता है तो जो आपका ब्लैडर है वो एक्सपैंड होता है जब एक्सपैंड होता है तो ब्लैडर के अंदर अंदर वाली साइड आपको ट्रांजिशनल एपिथीलियम मिलती है राइट इट चेंजेस शेप इट्स के टॉप वाले सेल्स सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा ट्रांजिशनल एपिथीलियम पर कंपाउंड एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड है ऑब्वियसली लेयर्ड है ठीक है तो लेयर्ड में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उस पर डिपेंड करता है हम उसको कंपाउंड क्यूबॉइडल कंपाउंड भी कह सकते हैं और स्क्वामस कंपाउंड भी कह सकते हैं अगर ऊपर वाले सेल्स की शेप स्क्मस है तो ये कंपाउंड स्क्वास है या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है अगर ऊपर वाली लेयर की सेल्स क्यूबॉइडल है तो उसको कंपाउंड क्यूबॉइडल कह सकते हैं सिर्फ दो ही मैंने एग्जाम्पल क्यों दी है क्योंकि ये दोनों हमें पढ़ने हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहाँ मिलता है ये देखोगे तुम जानोगे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हमें स्किन पे मिलता है एपिडर्मिस जो होता है वहाँ पे मिलता है और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हमें कुछ बहुत बड़े जो डक्ट्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड उनकी आ, उन ग्लैंड के डक्ट्स में मिलता है तो so, इसलिए मैंने ये दो ही मैंशन किए हैं अभी ठीक है आगे चल रही हूँ स्क्वामस एपिथीलियम के बारे में बात करते हैं हमें एक एक करके लर्न करना कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं स्क्वामस एपिथीलियम इज फ्लैटेड सो ऑब्वियसली ये चीजों को क्रॉस करने के लिए बनाए गए हैं क्योंकि क्रॉस करने में उतनी ही आसानी होगी जितना सेल पतला होगा सो स्क्वामस एपिथीलियम आर फ्लैटेड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज ठीक है स्क्वामेस एपिथिलियम साइड से देखते हैं तो आपको पता है कैसे दिखता है बट अगर मैं ऊपर से दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है इरेगुलर बाउंड्रीज वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस समथिंग लाइक दिस ठीक है क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे टाइल लगी होती है ना फ्लोर के ऊपर इसलिए इसको पेवमेंट एपिथिलियम भी बोलते हैं और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है पेवमेंट का ठीक है क्योंकि ये इतना पतला है इतना पिच का हुआ है तो जनरली ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं डिफ्यूजन बाउंड्रीज मतलब कोई चीज कहीं से कहीं अगर क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट होनी हो जैसे कि एल्विलाय एलवेलाय एयर सैक ऑफ लंग्स इसमें क्या होता है, अल्विला है, अल्विला है ये आपकी कैपिलरी है इनके बीच में एक्सचेंज होएगा गैसेस का तो एल्वलाइ यहाँ पे ओ टू भरी हुई है इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये दिस इज अ डिफ्यूजन बाउंड्री राइट तो यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स मिलेगा आपको इस तरीके से एंड ऑल्सो जो कैपिलरीज है क्योंकि सारा एक्सचेंज कैपिलरीज से होता है ना तो आर्टरी से होता है ना वेन से होता है कैपिलरीज से होता है आर्टरी वेन में तो तीन लेयर्स है ना आर्टरी वेयर में तीन लेयर कौन सी है ट्यूनिका इंटरना ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका एक्सटर्नल तो उससे एक्सचेंज होना बहुत मुश्किल है भैया एक्सचेंज किससे होना है हमारी कैपिलरी से कैपिलरी में एक सिंगल लेयर है वो सिंगल स्क्वामस एपिथिलियम की लेयर है तो तुम कहोगे मैम बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आप बना नहीं रही कोई बात नहीं बेटा बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है सो so, एल्वेलाई में आपको ये मिलेगा इसको इसको और इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ मिलेगी यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस पूरी को मिला के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोल देते हैं रेस्पी रेटरी सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपकी कैसे बनती है एक लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स यहाँ पे एक लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स इसके कैपिलरी के कैपिलरी के अंदर जो स्क्वामस सेल्स मिलते हैं उसको एंडोथेलियम बोल देते हैं इनफैक्ट आपकी पूरी बॉडी देखो दिस इज अ रिवीजन सेशन तो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाओ मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम पहले से एक बार पढ़ के आए हो अगर नहीं पढ़ के आए हो तो इसके डिटेल लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे यू कैन जस्ट गो एंड सर्च रितु रतेवाल एनिमल टिश्यू वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा दिस इसको आंख बंद करके रिवाइज करते जाओ स्क्रीन लेते जाओ इस जो मैं बोल रही हूँ यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे सारे ध्यान से सुनते जाओ पूरा आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अंदर से स्क्वामस एपिथीलियम से लाइंड है चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेन हो और कैपिलरी में तो है ही एक लेयर इवन जो हार्ट है एंड दैट इज लाइंड बाय स्क्वामस एपिथीलियम दिस एपिथीलियम इज कॉल्ड एंडोथीलियम सो अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनानी है तो एक लेयर सेल्स की ये वाली विच इज मेड फ्रॉम मतलब एल्विलाई बना रही है जो स्क्वामस सेल्स की देन अनदर लेयर ऑफ सेल्स जो कि एंडोथीलियम है यहाँ पे और बीच में इन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये पूरी ये पूरी यहां से यहां तक ये पूरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है क्लियर देन कैपिलरी वॉल्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ये मैं बता चुकी हूँ एंडोथिलियम मैं बता चुकी हूँ पेरिटोनियम पेरिटोनियम बॉडी को बॉडी वॉल को अंदर से लाइन करती है और ऑर्गन को बाहर से लाइन करती है ठीक है जो बॉडी वॉल को अंदर से लाइन करती है वो पेराइटल पेरिटोनियम जो ऑर्गन्स को लाइन करती है वो विसीरल पेरिटोनियम वो स्क्वामस एपिथिलियम की बनी होती है बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन ये मैं अलग से बना के दिखाई देती हूँ बिकॉज ये बार बार आने वाला है नेफ्रॉन बना लो बनाना तो पड़ेगा ही आज नहीं तो कल। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है ये बेसिक स्ट्रक्चर है बॉमेन कैप्सूल का सॉरी नेफ्रॉन का पहला ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल बीसी लिखने वाली थी लेकिन फिर अच्छा नहीं साउंड कर रहा था बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे तुम्हारे सामने ऐसे बोलते हुए दिस इज बीसी सो आई रोड बोमेन्स कैप्सूल दिस इज पी सी टी दिस इज लूप ऑफ हेनले दिस इज डी सी टी दैट इज प्रिटी मच इट नहीं नेफ्रॉन का एक और पार्ट है जो मुझे बनाना चाहिए था दिस इज जस्ट रीनल टीवी है ना तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गई हूं जस्ट रीनल ट्रिब्यूल यहाँ पे ग्लोमेरुल्लो मेरुलरस ना अब अब पूरा नेफ्रॉन बना है बट मुझे जो ग्लो मेरुलस है स्क्वामस एपिथिलियम काम जस्ट टॉकिंग अबाउट रीनल ट्रिब्यूल राइट देखो इसको कैसे याद करना है ध्यान से देखो वॉमेंस कैप्सूल जो है स्क्वामस एपिथिलियम से लाइंड है और जो लूप ऑफ हेनले है वो स्क्वामस एपिथिलियम से लाइंड है ऐसे दोनों स्क्वामस से सिंपल से ठीक है हालांकि इसमें यहां पे स्क्वामस में मॉडिफिकेशन आती है याद करो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि यहां ये ऐसे फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शंस बना लेता है

then your basement membrane then one layer of podocytes which is also squamous cell modified squamous cells side jitna diffusion boundary hai sab squamous se aa raha hai theek hai so this is clear then pct and dct both are lined by cuboidal cells neat में question आता है PCT के ऊपर हजार बार question आ चुका है मतलब हजार बार तो बोलने की बात है बहुत बार question आ चुका है PCT बट बिकॉज पी सी टी में सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ टोटल रीअब्जॉप होता है रीअब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ से चीजें जाके ब्लड में वापस चली जाती है reabsorption, reabsorption बहुत ज्यादा है सो so यहाँ पे माइक्रोविल्लाई होते हैं दीज आर नॉट एक्चुअली बिना है दे आर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सो ये क्वेश्चन आता है कि भैया आपको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉयडल कहाँ मिलता है यू फाइंड इट इन पी सी टी एन सी आर टी में जो लाइन दी हुई है दैट इज यू नो क्यूबॉयडल एपिथीलियम इज फाउंड इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफरॉन येस स्क्वामस इज ऑल्सो फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट्स एंड क्यूबॉयडल इज ऑल्सो फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट बट वेयर यू शुड नो एंड वेयर डू यू फाइंड अच्छा एक कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि सिलिएटेड एपिथीलियम नेफरॉन में मिलती है तो बच्चे कहते हैं हा हाँ पता नहीं किसने बच्चों को बताया कि नेक ऑफ में नेपिथिलियम मिलती है नहीं मिलती पूरे के पूरे नेफ्रॉन में कहीं भी सीलिया नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ओनली विल बी फाउंड एंड दैट टू इन पी सिटी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे चलू डन चलो आगे चलो सो दिस इज डन क्यूबॉइडल एपिथिलियम आपको कहां मिलेगा क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों का पर्पज है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों का क्यूबॉयडल एपिथिलियम और कॉलमनर एपिथिलियम में ठीक है अगर ये माइक्रोविल्लाई वाले हैं तो पक्का ही एब्जॉर्प्शन है खतरनाक एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे ठीक है तो क्यूबॉयडल आपको मिलेगा एक तो डक्ट ऑफ ग्लैंड में बहुत पुराने क्वेश्चन आते थे कि ओवरी के ऊपर ओवरी के ऊपर एक लेयर होती है कॉल्ड जर्मिनल एपिथीलियम वो क्यूबॉयडल सेल्स की बनी होती है बहुत पहले क्वेश्चन आते थे अब आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इस पर ठीक है दैट मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल ियम क्वेश्चन जो आता है क्यूबॉइडल एपिथिलियम से वो आता है यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पीसीटी में विद माइक्रोविलाई डीसीटी में विदाउट माइक्रोवेलाई ये क्वेश्चन आएगा आपको ठीक है आगे चलेंगे कलमनर एपिथिलियम कलमनर एपिथिलियम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं मेनली न्यूक्लिया लोकेटेड एट द बेस बेटा ऐसे कभी भी सेंटर में न्यूक्लिया नहीं होगा हमेशा बेस पे न्यूक्लिया होगा ये आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेंगे ठीक है डाइजेस्टिव ट्रैक में जब तक डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होने तब तक सिंपल कलमनर मिलेगा जैसे कि स्टमक में लेकिन जहां बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे आपको माइक्रोविलाई वाला कॉलमनर मिलेगा ब्रश बॉर्डर कॉलमनर मिलेगा इंटेस्टाइन में ये क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार ठीक है ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में इवन दिस हैज कम ऑलरेडी ठीक है तो अगर तुम्हें याद है इंटेस्टाइन में जो हमारी जो एपिथीलियम होती है वो सिंपल नहीं होती वो फोल्डेड होती है

सो दिस इज अच्छा इसका टेस्ट रख रही हूँ एनिमल टिश्यू का टेस्ट रख रही हूँ इसके क्वेश्चन बने हुए हैं बट मुझे उन क्वेश्चन में ट्विस्ट डालना है जैसे कि अगर तुमने मेरे साथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टेस्ट दिया हो काफी बच्चों ने मेरे साथ वो टेस्ट दिया था तो आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे हालांकि वो टेस्ट बिल्कुल एनसीआर के अंदर से था मैंने एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं डाला था एंड ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों के ऐसे सिर्फ 30 परसेंट ठीक सिर्फ 20 परसेंट बच्चों का सही क्यों क्योंकि मैंने वो एनसीआर को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस बनाए थे क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारा माइंड हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे नीट 2022 के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करने के आ रहे हो तो और ये नहीं कि मैं कोई बहुत गंदे क्वेश्चन बना रही हूँ कुछ नहीं हल्का सा ऐसे कर दो उसको वहीं भी तुम्हारा दिमाग ऐसे हो जाता है तो उसी चीज़ की मुझे नीट ट्वेंटी तक तो प्रैक्टिस करानी है कि तुम्हारा दिमाग ऐसे ना हो सो एनिमल टिश्यू के क्वेश्चंस मेरे पास तैयार हैं अभी उनको ट्विस्ट करना है मुझे तो उनको ट्विस्टेड फॉर्म में बनाने के लिए मेरे को दो तीन घंटे लगेंगे उनके ऊपर बैठ के उनको दोबारा से रीफ्रेम कर करके कर करके कर, कर उनको तो मे बी कल या परसों में तुम्हारा एनिमल टिश्यू का टेस्ट ले लूँगी मैं आई सजेस्ट यू गो वेरी थॉरली इन योर एन एक एक लाइन के साथ एन पढ़ना आई होप तुम अभी भी एन लेके ही बैठे हो जब मैं पढ़ा रही हूँ देन गो टू द समरी ऑफ़ द चैप्टर समरी का एक एक लाइन क्योंकि मेरे को समरी में मिल गया ना कुछ ऐसा जो चैप्टर में नहीं है तो मैं वहीं से तीन चार क्वेश्चन बना दूंगी तुम्हारी ऐसी तैसी फिर जाएगी देन गो टू द क्वेश्चन ऑफ एन सीआर ट जो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू होता है ना क्योंकि मुझे कोई चीज़ मिल गई ना ऐसी जो चैप्टर में नहीं है ऐसा एनसीआर टी करती है कुछ चीज़ें चैप्टर में नहीं होती बट वो क्वेश्चन में पूछ लेती है तो मैं वहीं से ही क्वेश्चन बनाऊंगी और मैं ये मान के चलूंगी कि तुम्हें वो चीज़ें आती होंगी सो प्लीज़ गो वेरी थरली विद दिस चैप्टर कि भैया कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता जो कि एग्जामिनर तुम्हें दे दे और तुम्हें ना आता हो ठीक है और यू कैन ज्वाइन दैट टेस्ट वो स्पेशल क्लास पे होगा विच इज फ्री फॉर ऑल बाई यूजिंग कोड रितु आर आई टी यू जब भी आपसे कोड मांगेंगे यू कैन गिव इट ठीक है आओ सिलिएटेड एपिथिलम सिलिएटेड क्यूबॉइडल का क्वेश्चन आता है लेकिन कम आता है कहां पे मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिएटेड कॉलमनर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कहा मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फलोपियन ट्यूब में रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं दिया होता जनरली ब्रोंकियोल्स दिया होता है क्योंकि एनसीईआरटी में ब्रोंकियोल्स दिया हुआ है ये क्वेश्चन आएगा बार बार ठीक है आगे चलेंगे सूडोस्टार्टिफाइडिलियम में टेंशन नहीं लेनी मैं बता चुकी हूं तुम्हें सूडोस्टार्टिफाइड एपिथिलियम भी जनरली सिलिएटेड होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलती है म्यूकस को ऊपर फेंकने के लिए होती है क्वेश्चन जो आया था चलो वो ग्लैंडुलर में बताऊंगी तुम लोगों को क्या क्वेश्चन आया था आई गया ग्लैंडुलर एपिथिलियम सो ऑल द ग्लैंड्स फॉर्म इन योर बॉडी आर मेड अप ऑफ अपलियर टिश्यू

मान लो ये कोई सरफेस है जिस पे रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे सेल्स से बना हुआ है ठीक है तो ये जो नीचे वाले सेल्स हैं ये सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस मिल के इकट्ठा पहले एक जगह यहाँ पे सीक्रेट कर देते हैं फिर यहाँ पे जो चीज़ सीक्रेट हुई है ये धीरे धीरे ऊपर जाता है यहाँ पे सरफेस पे जाता है मान लो ये स्किन है सपोज दिस इज स्किन सरफेस तो मान लो ये पसीना जा रहा है सपोज दिस इज स्वेट ठीक है तो यहाँ बहुत सारे ग्लैंड मिलकर पहले एक जगह सिक्रीट कर रहे हैं सो सच ए ग्लैंड इज कॉल्ड मल्टी सेलर क्लांट फॉर एक्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड ठीक है यूनीलर का एक ही एग्जाम्पल है गॉब्लेट सेल गॉब्लेट सेल पर क्वेश्चन आया था मैं बता देती हूँ क्या क्वेश्चन आया था ध्यान से सुनो गॉब्लेट सेल रिलीज म्यूकस इनका नाम गॉबलेट सेल इसलिए क्योंकि ये गॉबलेट की शेप के होते हैं गॉबलेट इज अ कप जिसमें लोग दारू पीते हैं इट्स लाइक दैट तो ये सेल इसी शेप का हो जाता है क्योंकि यहाँ पे म्यूकस भर जाता है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मिलता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक में भी मिलता है क्वेश्चन ये आया था कि गॉब्लेट सेल किसकी मॉडिफिकेशन है किस सेल से मॉडिफाई होके बने हैं आंसर था कॉलमनर कॉलमनर एपिथिलियम ये आपको नहीं पता तो अभी मैं तुम्हें पीवाई क्यू करूंगी बट यू कैन राइट इट इन योर कॉपीज कि भैया गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स ओनली क्वेश्चन आया था ठीक है सो इस प्रकार से ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड होंगे ये सेल्स जो कि कुछ सिक्रीट नहीं हो रहे बस रास्ता बना रहे दीज़ सेल्स विच आर नॉट सिक्रीटिंग एनीथिंग बट जस्ट मेकिंग द वे फॉर द सिक्रेशन टू गो आउट दी दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड अ डक्ट डक्ट के सेल्स को सिक्रीट नहीं करते सिर्फ रास्ता बनाते हैं ठीक है सो मल्टी सेलुलर ग्लैंड की भी आगे एक क्लासिफिकेशन है ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रेशन दे कैन बी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो एंडोक्राइन हैं, उनको भी बोलते हैं. They have no ducts to release their products. इसका मतलब क्या है? ये सेल्स ऐसे पड़े होते में, तो मतलब कोई डक्ट नहीं है कहीं पे रिलीज करने के लिए ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर रहे हैं यू कैन नॉट सी एनी डक्ट जितने भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं एंडोक्राइन की सारी सिक्रीशन हार्मोनल है कम से कम आपके सिलेबस के लिए तो ठीक है हॉर्मोन इन ब्लड नीचे लिखा ही होता है ऐसे लिखा फालतू में ठीक है आई होप दिस इज वेरी क्लियर दिस नोट्स आर नाइस है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे हैव डक्ट्स जैसा कि मैंने अभी ग्लैंड बना के दिखाया था सारी सिक्रीशन बाकी डक्ट वाली है एंड जो डक्ट वाली सिक्रेशन है ये ब्लड में नहीं जाती ये जनरली या तो स्किन के सरफेस पे जाती है किसी ऑर्गन के सरफेस पे जाती है किसी ऑर्गन के अंदर वाले सरफेस पे भी जा सकती है तो इनमें यही है यहाँ पे सेल्स हैं जो करते हैं ये डक्ट है जो सिक्रीट नहीं करती देन इस डक्ट की हेल्प से किसी सर्फेस पे जाकर रिलीज होते हैं एवरी थिंग एवरी अदर थिंग अदर देन हार्मोन इज रिलीज बाय यू नो ग्लैंड विद विद डोक्राइन ग्लैंड आगे चलेंगे ओह मैंने डायग्राम बनाया था ओ ओ, ओ मिल्क इंजाइम्स, ईयरवैक्स, वैक्स परम सलाइवर स्वेट स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहते हैं ऑयल ग्लैंड को सीबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं जो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड है इवन जो मेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स है दे आर मोडिफाइड सुडोरीफेरस ग्लैंड जस्ट राइटिंग मेमरी ग्लैंड आर मोडिफाइड फेरस ग सुडोरी फेरस लिखना था क्या लिख दिया फेरस ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है सो मिल्क इज मॉडिफाइड स्वेट गंदी बात ठीक है मेमोरी ग्लैंड और मॉडिफाइड सुडोरी फेरस ग्लैंड प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आगे चलते हैं कंपाउंड एपिथिलियम ज्यादा सोचना नहीं है कंपाउंड एपीथिलियम मेनली प्रोटेक्शन के लिए होती है ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपीथिलियम तो देखो कभी भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना ये कंपाउंड एपिथिलियम का फंक्शन हो ही नहीं सकता इसका एक ही फंक्शन है प्रोटेक्शन मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन सो नो रोल की जगह एनसीआरटी ने वर्ड दिया हुआ है लिमिटेड रोल ठीक है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस अब ये कहाँ मिलेगी देखो जो स्किन है स्किन का वो कैसे बनता है स्ट्रक्चर तो में तुम्हें बना के दिखा देती हूँ ध्यान से देखो बहुत सारी बातें यहीं पे आ जाएंगी ठीक है स्किन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू लेयर्स अपर लेयर इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम सो स्ट्रेटिफाइड है तो मुझे मल्टीपल लेयर्स बनानी पड़ेंगी एंड इसकी टॉप की लेयर्स मुझे स्क्वामस बनानी पड़ेंगी, लाइक दिस ठीक है दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस अरे यार दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बनी है बट ये एक बहुत ही बढ़िया वाली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है इसमें एक प्रोटीन जमा होता है विच इज कॉल्ड कैरेटिन एक प्रोटीन इसमें भरा हुआ है जिसको बोलते हैं कैरेटिन जो कि स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है एंड कैरेटिन ऑल्सो वेरी रेजिस्टेंट टू यू नो लॉट ऑफ थिंग्स सो कैरेटिन नाम का प्रोटीन भरा हुआ है सो आई हैव टू से दिस इज स्ट्रेटिफाइड कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड कैरा इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियम सो एपिथिलियम इज ए कॉमन टर्म एपिडर्मिस इज स्पेसिफिकली यूज फॉर आउटर लेयर ऑफ स्किन विच इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एपिडर्मिस का जो ओरिजन होता है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजन है उसके नीचे ऑब्वियसली बेसमेंट मेमरी दिस इज योर बेसमेंट मेमरी राइट इसके नीचे देर इज अग कनेक्टिव टिश्यू देर इज अग लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड डरमिस सो स्किन इज एक्चुअली डरमिस प्लस एपिडर्मिस डरमिस और एपिडर्मिस को मिला के स्किन बोलते हैं अब मैं ये यहां पे क्यों करा रही हूं क्योंकि इसके बाद मुझे कनेक्टिव टिश्यू ही कराना है सो so, अगर आप यही पढ़ लोगे सो डरमिस इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मतलब स्पेशल तो क्या टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉज डेंस इरेगुलर इसको एक बार लिख लो या याद रख लो आगे बताती हूं डेंस इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है डेंस इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जनरली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर कवरिंग्स बनाता है जैसे पेरिकार्डियम हार्ट का कवर डेंस इरेगुलर जैसे बोन का कवर पेरी ऑस्टियम डेंस इरेगुलर जैसे कि कार्टिलेज का कवर पेरी डेंस इरेगुलर और स्किन की नीचे वाली लेयर डेंस इरेगुलर डर्मिस ठीक है हालांकि मैं स्टेटिफाइड की बात करी थी अब ये भी बता ही दूंगी आगे ये एक बार सुन लो स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है विच इज कॉल्ड सब क्यूटेनियस लेर क्यूटेनियस मतलब स्किन सब मतलब नीचे सब क्यूटेनियस लेर यह कराना जरूरी है ना यार इंपॉर्टेंट है ठीक है सब लेयर जो कि दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी फैट जो कि स्टोर करता है कनेक्टिव टिश्यू प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज द वीकेस्ट बट द मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू सो बिलो द स्किन आपको एरियोलर और एडिपोज का मिक्सचर मिलता है एक मोटी लेयर जिसको सब क्यूटेस लेयर बोलते हैं बेबीज में यहां पे अच्छा खासा फैट जमा होता है इवन जवानी में तभी हमारी स्किन ऐसे प्यारी प्यारी सप्पल सप्पल रहती है बुढ़ापे में ये फैट कम हो जाता है इसलिए हमारी स्किन लटक जाती है और भी बहुत रीजन है बट वन ऑफ द रीजन इज दिस अंडरस्टुड

स्किन के एपिथेलियम की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ये स्टेम सेल्स की बनी होती है जो कि कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस करके नए सेल्स जनरेट कर रहे हैं क्योंकि स्किन की ऊपर वाली लेयर्स पता है स्लो ऑफ होती रहती है हटती रहती है टूटती रहती है स्किन सेल्स ऊपर से झड़ते रहते हैं सो so, यहाँ पे नीचे लेयर होती है विच इज लेयर ऑफ स्टेम सेल्स जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मी स्टेम सेल्स की लेयर होती है तो अब इस पे क्वेश्चन नहीं आता बट अगर आप पीवाई क्यू करोगे तो आप इसे डर ना जाओ तो मैंने इसलिए लिखवा दिया है जो कि एपिडर्मिस की लोएस्ट लेयर्स होती हैं क्लियर डर्मिस में नहीं होती है डरमिस इज कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्किन इज क्लियर और नॉट हाँ क्वेश्चन कराऊंगी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी मैं ठीक है सो मैं बात कर रही थी कंपाउंड एपिथिलियम कारेटेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इज फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ़ स्किन। नॉन कैरेटेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है बट कैरेटिन नहीं है वहां पे, क्योंकि आपको वाटर लॉस नहीं प्रिवेंट करना वो आपको बॉडी के अंदर मिलती है जैसे कि बक्कल कैविटी जैसे कि वजाइना ठीक है ठीक है? मिलेगी? मिलेगी ये आपको बड़े -बड़े glands की में मिलेगी. ये आपको बड़े-बड़े की में याद रखना है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड उनकी डक्ट्स में मिलेगी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल फाउंड इन larger ग्लैंड ऑफ एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड एंड pancreas. ठीक है देन आते हैं एपिड ये टिश्यू का लास्ट पार्ट सेल जंक्शन और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज सच ए स्मॉल टॉपिक एंड सो मेनी टाइम्स रिपीटेडली यहां से क्वेश्चन होते हैं कुछ नहीं करना तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं और तीन प्रकार के सेल जंक्शन क्या है दैट इज ऑल यू हैव टू डू इफ यू विल डू इट इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो सेल जंक्शंस आर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स सेल टू सेल इंडिविजुअली उनको लिंक करता है सिर्फ स्ट्रक्चरली भी लिंक कर सकता है और फंक्शनली भी लिंक कर सकता है क्वेश्चन क्या आता है कि भैया सेल जंक्शंस कौन से टाइप ऑफ टिश्यू में मिलते हैं क्या ये चारों प्रकार के टिश्यू में मिलते हैं या ये किसी एक प्रकार के टिश्यू में ही मिलते हैं तो बेटा अगर आपके पास ऑप्शन चारों का अलग अलग आए एपिथेलियल, कनेक्टिव मस्कुलर और न्यूरल तो आप एपिथेलियल को मार्क करोगे अगर आपके पास एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन ना आए तो यू विल मार्क एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में सबसे ज़्यादा सेल जंक्शंस मिलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और में मिलते ही नहीं मस्कुलर टिश्यू में अगर आप हार्ट कार्डियक मसल याद करो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था अभी पढ़ाना है अभी पढ़ाना भी है और उसमें पढ़ाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी पढ़ाता है कार्डियक मसल सेल्स बिचार मस्कुलर सेल्स उनके बीच में आपको इंटरकेलेटेड डिस्क मिलती है उनके बीच में आपको दो प्रकार के सेल जंक्शन मिलते हैं गैप जंक्शन और डेजमोजोम्स सो मस्कुलर टिश्यू में भी तो मिल रहा है जब आप न्यूरल टिश्यू पढ़ोगे तो आप जानोगे कि भैया न्यूरोन न्यूरोन के बीच में भी सेल जंक्शन होते हैं गैप जंक्शंस जिसको हम इलेक्ट्रिकल साइन बोल देते हैं ठीक है सो समटाइम्स दीज आर फाउंड इन मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू ऑल्सो बट मोस्ट एबंडेटली यह फाउंड होते हैं एपीडर्मल सॉरी एपीथीलियल टिश्यू में सो so, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों का ठीक है देन टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन फाउंड मेनली इन एपीथिलियल सेल्स एज वेल एज मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू सेल जंक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स मेनली जो एनसीआरटी में दिए हुए हैं टाइट जंक्शन एडेयरिंग जंक्शन एंड डेजमोजोन टाइट जंक्शन नाम से ही पता चल रहा है सेल्स को टाइटली एक दूसरे से ऐसे चिपका देता है जैसे गम से चिपक गए यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू के धागे से होते हैं ये उसको ऐसे चिपका देते हैं दिस इज ताकि कोई चीज़ यहाँ से यहाँ लीक ना कर जाए सो टाइट जंक्शन यू नो दे होल्ड द सेल्स इन अ वे प्रिवेंट लीकेज एक इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा है अडेरिंग जंक्शन और डेजमोजोम्स दोनों का एक ही काम अच्छा गैप जंक्शन डेजमोजोम एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ बट अपने को पढ़ना है ठीक है अडेयरिंग जंक्शन और डेजमोजोम दोनों का काम है सेल्स को होल्ड करना ताकि सेल्स अलग अलग फट के अलग ना हो जाए टू होल्ड द सेल्स ड्यूरिंग मकैनिकल सेल्स तो ऐसे कुछ होते हैं एक सेल ये है एक सेल ये है ठीक है यहाँ पर प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम प्लाक बोलते हैं यहां पे एक और प्रोटीन की ऐसे फिंगर्स निकली होती है एंड यहां पे प्रोटीन की फिंगर्स निकली होती है ये फिंगर्स आपस में होल्ड कर लेती हैं दोनों का स्ट्रक्चर सेम है डेजमोजोम और अडेरिंग जंक्शन का थोड़ा सा फर्क है ठीक है अडेयरिंग जंक्शन में यहाँ पे एक्टिन के फाइबर्स लगे होते हैं और डेजमोजोम में यहाँ पे कैरेटिन के फाइबर्स लगे होते हैं बट आई डोंट थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स ये सीमेंटिंग पे क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सीमेंट कर रहा है डेजमोजोम भी सीमेंट करते हैं सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स बट विद कैरेटिन फाइबर्स दे ऑल्सो सीमेंट बट विद एक्टिन फाइबर्स एक्टिन के साथ मतलब यहाँ पे यहाँ पे कुछ प्रोटीनेशियस फाइबर्स लगे होते हैं उन फाइबर्स की बात कर रहे हैं देट इज ऑल देट इज गोइंग टू कम इन सेल जंक्शन एंड हमारा एपिथील टिशू कवर हुआ है जो मैं पानी पी लेती हूँ नोट कर लेंगे इसको इस बार मैंने टारगेट रखा है देखो जो भी हुआ है ठीक है पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में क्लासें नहीं लगी लगी तुम लोगों ने गालियां भी मुझे बहुत दी तुम लोगों का मन भी बहुत टूटा गालियाँ तो एक्चुअली नहीं दी तुम लोगों का मन बहुत टूटा है ना कि मैडम क्लास नहीं लेती है यार बोल के भी क्लास नहीं लेती है प्रॉमिस करती है लेकिन क्लास नहीं लेती है क्या गिर रहा है ऊपर है ना मैडम प्रॉमिस करती है क्लास नहीं लेती है बार बार आती है रितु मैम इज बैक बट शी इज नॉट एक्चुअली बैक है ना फिर से नहीं आती है मतलब बच्चों का बेवकूफ़ सब बनाती रहती है या बच्चे मतलब परेशान हो ही जाता है मैं भी परेशान हो जाती जो भी हुआ है देखो जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है जितना मैं कर सकती हूँ मैं ये चाहती हूँ कि नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में कंट्रोल नहीं कर सकती ठीक है मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ से पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो बट मैं चाहती हूँ कि बायोलॉजी में तुम्हारी थ्री सिक्सटी मार्क्स आ जाए और मैं दिल से चाहती हूँ ये चाहे तुम प्लस के स्टूडेंट हो चाहे तुम इसके स्टूडेंट हो यूट्यूब के स्टूडेंट मेरे फ़र्क नहीं पड़ता तुम पेड स्टूडेंट हो या तुम अनपेड स्टूडेंट मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोगों को ऐसा एजुकेशन मिले या तो बहुत कम कॉस्ट में जैसा तुम्हें प्लस में मिल रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब 360 आउट ऑफ 360 लाना मतलब ऐसे हवा ना रह जाए कि फलाने तुम ऐसे करोगे तो यू है मतलब कुछ नहीं है अगर मेरे आगे ना इस बार 360 में से 360 जब मैंने पेपर सॉल्व करूंगी तो तुम्हें तुम्हारे भी आएंगे जब तुम पेपर सॉल्व करोगे एग्जाम में बैठे हुए अगर मुझे 38 चैप्टर्स याद हो गए ना तुम्हारे साथ साथ ही याद कर रही हूँ मैं भी मेरे को भी सारा कुछ याद नहीं रहता है हर चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं भी याद करती हूँ तब मुझे याद रह पाता है ठीक है ऐसे ऐसे भूलता नहीं है मतलब मुझे कोई चार ऑप्शन देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन क्या है चाहे मैंने वो चैप्टर ना भी पढ़ा हो बहुत महीने से बट ऐसे नहीं है कि मतलब टिप्स पे नहीं होता यार टिप्स पे कि मतलब मेरे को चार ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है अपने आप ही आंसर आ रहे हैं ऐसे नहीं याद है तो मैं चाहती हूं इस बार मैं भी ऐसे लर्न करूँ चाहे फिर भूल जाऊं क्या फ़र्क पड़ता है मैं भूलती बहुत जल्दी हूं लेकिन एक बार तो लर्न करूं तुम्हारे साथ और तुम लोगों को लर्न कराऊँ तो कोशिश कर रही हूँ ऐसे नोट्स बनाने की हालांकि बहुत टाइम एनर्जी लगता है तो मैं बहुत फ्रीक्वेंट क्लासेस नहीं दे पाती बट मैं पूरी कोशिश करूँगी क्वेश्चन के थ्रू जिनकी क्लासेस नहीं दे पाऊंगी उनके क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से एन से क्वेश्चन बना बना के बना बना के तुम्हारे पास लेके आने की कोशिश करूँगी चाहे पाँच दिन भी क्लास ना लगे डिसहार्टन मत होना ठीक है मैं नहीं ले पा रही होती तभी नहीं लेती क्लास डिसहार्टन मत होना आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भैया तुम्हारे 360 में से 360 आए ठीक है दैट इज द ओनली थिंग आई कैन प्रॉमिस यू आई कैन नॉट प्रोमिस यू की मैं रोज क्लासे लगाऊंगी क्योंकि मैंने देखा मैं जितनी बार भी शेड्यूल देती हूँ आएम नॉट एबल टू की तो क्या फायदा फिर उस चीज को करने का कोई फायदा नहीं है ओके गैप जंक्शन क्वेश्चन आता है गैप जंक्शन्स में बहुत बार गैप जंक्शंस में क्या होता है टू सेल्स दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर इनके बीच में गैप है लेकिन इनके बीच में रस्ते हैं यहाँ से छोटे छोटे आयन्स ठीक है छोटे छोटे मॉलिक्यूल कभी कभी बड़े प्रोटीन्स भी इधर से इधर और इधर से इधर जा सकते हैं लाइक दिस

कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंड टिश्यूज ऑफ ऑल इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू तो बच्चे पूछते हैं मैम मस्कुलर जो लोकोमोशन मूवमेंट में हम पढ़ते हैं कि आर मसल है बॉडी वेट तो वो तो मस्कुलर हो गया बेटा वो वेट के हिसाब से मसलस भारी होती हैं हीवी होती हैं बहुत ज्यादा सो हालांकि वेट मस्कुलर टिश्यू का सबसे ज़्यादा है बट अगर हम वैसे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की कितना कितना मतलब कितना स्पेस वॉल्यूम के हिसाब से बात करें इट इज द मोस्ट सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ब्लड एंड लिम्फ ये भी कनेक्टिव टिश्यू है बट ये ऐसे कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर समझ, समझ लेते हैं इनमें फाइबर्स नहीं होते कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रोटीन के फाइबर्स पड़े होते हैं ब्लड और टिश्यू लिफ के अंदर कोई फाइबर्स नहीं होते लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेल मेट्रिक्स मैं देखती हूँ मैं डायग्राम बनाया कनेक्टिव टिश्यू के तीन पार्ट्स हैं सेलुलर मेट्रिक्स और प्रोटीनेशियस फाइबर्स ठीक है अगर मैं सेल्स की बात करूं ठीक ऐसा कुछ होता है देर आर सेल्स लाइक दिस कनेक्टिव टिश्यू दूर दूर पड़ा होता है सेल्स ठीक है एंड देन इनके बीच में जो सबस्टांस है इंटरसेल्यूल मेट्रिक्स है वो होता है जैसे कि तुम ये लगा लो ना एक केक के अंदर जैसे कि चेरी पड़ी होती है तो केक जो सबस्टांस है जो ब्रेड है वो इंटर सेल्यूर मेट्रिक्स है जो चेरी है वो सेल है और उसके बीच में बहुत सारे फाइबर्स इमेजिन कर लो आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू इमेजन बट यहाँ पे ऐसे बीच बीच में बहुत सारे फाइबर्स पड़े हुए हैं देर आर फाइबर्स लाइक दिस जो कि स्ट्रेंथ देते हैं इस टिश्यू को ये फाइबर्स दो प्रकार के आ, प्रोटीन से बने होते हैं कॉलोजिन प्रोटीन एंड इलास्टिन प्रोटीन इनको दोनों को ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रही हूँ देखो कॉलोजन और इलास्टिन के फाइबर्स है कॉलोजन के फाइबर्स वाइट कलर के होते हैं एंड दे आर इन इलास्टिक ये स्ट्रेच नहीं करते बट दे आर वेरी स्ट्रोंग दे आर फ्लेक्सीबल जैसे तुम्हारे घर में कोई रस्सी लगा लो रस्सी वो स्ट्रेचेबल तो नहीं है वो इट्स फ्लेक्सिबल बट इट इज़ नॉट स्ट्रेचेबल इट इज़ वेरी स्ट्रांग सो ऐसे होते हैं इलास्टिन के येलो कलर के फाइबर्स होते हैं इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं एंड दे आर स्ट्रेचेबल दे आर इलास्टिक नाम से पता चल रहा है एस टी आर ई टी सी एच ए बी एल स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल की स्पेलिंग आई डोंट नो ठीक है या नहीं है राइट right? सो so, दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं दोनों ही प्रकार के फाइबर्स सारे कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं जितने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में तुम्हें अभी पढ़ाऊंगी एक्सेप्ट फॉर ब्लड एंड लिफ्ट जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर फाइबर्स नहीं होते ये नीट का क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर नॉट फाउंड ऑल्सो एक प्रकार की कार्टिलेज होती है हेलिन कार्टिलेज उसमें फाइबर्स नहीं होते बट उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिखते एक्चुअली उसमें फाइबर्स होते हैं एनसीआरटी लिए अपेरेंटली देर आर नो फाइबर्स सो so, अगर इतना चलाक क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट हैव फाइबर्स और ऑप्शन हो ब्लड लिम्फ हाईलैंड काटलेज और फोर्थ ऑप्शन है ऑल थ्री तो ऑल थ्री चूज करना क्योंकि आपके पास ब्लड और लिम्फ अलग से चूज करने का ऑप्शन नहीं है वैसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है डोट अंडरस्टैंड सो सब में फाइबर्स होंगे फाइबर्स विल गिव द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज ठीक है अगर इंटरसेल्योर मेट्रिक्स की बात करूँ इंटरसेल्यर मेट्रिक्स की बात करूँ फाइंड लॉट ऑफ पॉलीसेक्राइट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स प्लस यू विल फाइंड सम प्रोटीन मॉडिफाइड प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन्स ठीक है ग्लाइको प्रोटीन्स लेते मतलब पॉलीसेक्राइड के साथ मिले हुए प्रोटीन्स ठीक है यू विल फाइंड समथिंग कोल्ड हायोलोरोनिक एसिड लोलोरोनिक एसिड हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि एसिड होता है कि नहीं होता सबकी मैट्रिक्स थोड़ी थोड़ी अलग होगी जैसे कि बहुत स्पेसिफिकली मान लो बोन की बात करूं मैं बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू इसकी मैट्रिक्स में यू विल फाइंड लॉट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। इसकी मैट्रिक्स में यू विल फाइंड लॉट ऑफ कैल्शियम सोल्ट एंड यूल्ड ऑसिन प्रोटीन जो इस पे प्रीवियस बहुत पुराने नीट के क्वेश्चन हैं अब नहीं आएगा ओसिन प्रोटीन पर अगर आ गया घूम फिर के तो मैंने लिखवा दिया है सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी so, सो ओसिन प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक टू बोन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फाउंड इन एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है कैल्शियम सॉल्ट इज वेरी स्पेसिफिक टू बोन कुछ जनरल चीजें जैसे हैलोरिनिक एसिड ऑलमोस्ट सभी कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा मॉडिफाइड पॉलीसेक्रेड ऑलमोस्ट सभी में मिलेंगे सिमिलरली अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ इफ आई टॉक अबाउट कार्टिलेज आई विल फाइंड समथिंग वेरी स्पेसिफिक इन कार्टलेज और इसपे नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट कॉन्ड्रॉयटिन सॉल्ट प्लस कॉन्ड्रिन प्रोटीन कॉन्ड्रिन कॉन्ड्रिन प्रोटीन सो कॉन्ड्रिन प्रोटीन इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी फाउंड इन कार्टलेज ओनली एंड कॉन्ड्रॉयटिन सॉल्ट ओनली इन कार्टलेज कॉन्ड्रॉइटिन इज बेसिकली पॉलिसेक्राइट्स सो so, हर एक कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स अलग होगी हल्का हल्का और कुछ चीजें सेम होंगी ठीक है ऑल्सो इन द मेट्रिक्स यू विल हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेट्रिक कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्पेश कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेमी फ्लूइड सी मेट्रिक्स होएगी इट इज नॉट सॉलिड इट इज नॉट लिक्विड इट इज सॉफ्ट नाइस ठीक है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो दो प्रकार का होगा एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो हमें स्किन के नीचे वाले लेयर में मिला था राइट डेंस कनेक्टेड टिश्यू में यू नो द द सेल्स एंड द फाइबर्स दे आर डेंसली पैक्ड लूज कनेक्टेड टिश्यू में वो लूज होंगे सो स्ट्रेंथ भी कम होएगी है ना डेंस में दे आर डेंसली पैक्ड जैसे मान लो ये फाइबर्स हैं वेरी डेंसली पैक्ड यहां पे सेल्स पड़े हैं बीच बीच में डेंसली पैक्ड फाइबर्स डेंसली पैक्ड सो उससे क्या है स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी ठीक है डेंस कनेक्टिव इज ऑफ टू टाइप्स डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर अगर फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में हैं सारे के सारे रेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो डेंस रेगुलर अगर फाइबर्स ऐसे कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर इरेगुलरली अरेंज है तो डेंस इरेगुलर ये वही डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है याद करो जो डर्मिस ऑफ स्किन में मिला था ये डेंस इेगुलर वही है जो डर्मिस ऑफ स्किन में मिला था ठीक है जी जो आपको पेरी पेरिओस्टियम में मिलता है ठीक है जी डेंस रेगुलर में आपको दो प्रकार के टिश्यू मिलेंगे टेंडन और लेगामेंट एम मसल और बोन को जोड़ने के लिए टेंडन होता है बी बोन टू बोन को जोड़ने के लिए लेगाट होता है अब क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं ेंट में जनरली आपको इलास्टिक फाइबर्स नजर आते हैं इलास्टिन प्रोटीन के सो लेगांट आर स्ट्रेचेबल टेंडन में जनरली आपको कॉल के मोटे मोटे फाइबर्स नजर आते हैं सो टेंडन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट इन इलास्टिक ये पी वाई क्यूज में आए हैं क्वेश्चन दे आर इलास्टिक दे आर इन इलास्टिक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार है स्केलेटल एंड फ्लूइड स्केलेटल कनेक्टिव टिशू में बोन एंड कार्टलेज जिसको हम पढ़ेंगे फ्लुइड कनेक्टिव टिश्यू में दीज टिश्यूज विल हैव देयर मेट्रिक्स एज लिक्विड दे डो नॉट हैव सॉलिड मेट्रिक्स ऑल्सो दे विल हैव नो फाइबर्स

सभी कनेक्टेड टिश्यू में कुछ कॉमन सेल्स होंगे एंड कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगे जैसे ज्यादातर कनेक्टेड टिश्यू में बहुत सारे डब्ल्यू देखने को मिलेंगे आपको बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू में डब्ल्यू रहता है आ, आ, ब्लड से डब्ल्यू तो से सी निकल के इट कम्स इन टू कनेक्टिव टिश्यू क्यों बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्टिव वाइड स्प्रेड है ना बैक्टीरिया कहीं भी आएगा तो कनेक्टिव टिश्यू में तो घुसता ही है तो वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा डब्ल्यू जाता है और ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिलेंगे जैसे कि बड़े बड़े इज कॉल्ड जो कि बैक्टीरिया को खाने का काम करेंगे दे आर फैगोसाइट्स देन यू विल फाइंड द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड बेजोफिल्स बेजोफिल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेजोफिल बेजोफिल uh, जब कनेक्टिव टिश्यू में जाते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं उनको मास्ट सेल कहते हैं so, मैं हटा के मास्ट सेल कह रही हूँ मास्ट सेल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं सो so, ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि हर कनेक्टिव टिश्यू में आपको मिलेंगे दे आर कॉमन ठीक है देन यू विल फाइंड फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट आर सेल्स विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस फाइबर्स

मास्ट सेल्स में जिसका मेजर सिक्रेशन है हेपारिन ये मेजर सिक्रेशन है मास्ट सेल्स की ठीक है बार बार क्वेश्चन आया है histamine, क्या रिलीज करते हैं हिस्टामिन क्या रिलीज करते हैं हेपारिन रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन एन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस इन्फ्लामेशन कॉज करता है जब भी आपके टिश्यू को चोट लगती है जब भी आपके कनेक्टिव टिश्यू को चोट लगती है चाहे वो किसी ने मारा हो मकैनिकल चोट है या कोई केमिकल चोट है आपको यू uh, नो you know, किसी चींटी ने काट के आपकी बॉडी में केमिकल डाल दिया ऑग्जैलिक एसिड डाल दिया है कोई भी प्रकार की चोट लगती है सम टाइप ऑफ डैमेज इज देयर दे विल स्टार्ट टू रिलीज हिस्टामिन और हिस्टामिन की वजह से वो एरिया सूज जाता है होता है ना कहीं चोट लग जाए तो सूज जाता है कुछ काट जाए तो सूज जाता है सो दैट वाई हिस्टामिन इज रिलीज्ड

राइट वेरी स्पेसिफिक सेल्स जो आपको स्पेसिफिक उसमें मिलेंगे ठीक है देन और मैं क्या एग्जाम्पल दूं आपको अभी तो यही एग्जाम्पल याद आ रहे हैं सो स्पेसिफिक सेल्स फॉर स्पेसिफिक कनेक्टेड टिश्यू एंड सम आर फॉर कॉमन ठीक है नोट कर लेंगे इसको प्लीज चले हां तो एक एक करके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लेते एनसीआरटी में ये एक बहुत सुंदर डायग्राम दिया हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है ये ये ज्यादा सुंदर मैंने बनाया एनसीआरटी से भी जिससे कि मैं बहुत ही खुश हूँ बहुत ज्यादा ही खुश हूँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज यू नो मोस्ट अबंड कनेक्टिव टिश्यू ये वीकेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी है बिलो स्किन मिलता है कहाँ पे याद करो सब क्यूटेनियस लेर में पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन हवा में नहीं लटक रहा है वो साइड से पैक्ड है चीजों से ठीक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से जैसे आपकी नर्व्स हैं तो वो पैक्ड हैं आपकी ब्लड वेसल्स हैं तो वो पैक्ड हैं आपके ऑर्गन्स हैं तो वो पैक्ड हैं, तो हैं ऐसे नहीं कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो फैट से पैक्ड होते हैं एडिपोज टिश्यू से पैक्ड होते हैं जैसे कि आई बॉल्स फैट से पैक्ड है किडनी फैट से पैक्ड है आई थिंक हार्ट ऑल्सो फैट फैट से हार्ट में होता है फैट के आसपास आई थिंक होता है फैट से पैक्ड होता है वो भी सो एडिपोज टिश्यू से बहुत कम टिश्यूज पैक्ड होते हैं ज्यादातर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से पैक्ड है सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपीथीलियम ठीक है एपिथीलियम को सपोर्ट करता है ये देन कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास एरियर कनेक्टिव टिश्यू का कोई स्पेसिफिक सेल नहीं होता जो जनरल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के पास होते हैं वो एरियोलर के पास भी होते हैं इसलिए एरियोलर का डायग्राम इतना बड़ा बना के दिखाया गया नीट में क्वेश्चन आया हुआ इस डायग्राम से बहुत बार सेल पहचानने के लिए बोल देते हैं कि ये ए बताओ क्या सेल है ठीक है बी क्या सेल है ये सी क्या है राइट right, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है ये जो लंबा वाला सेल है इट इज फाइब्रोब्लास्ट ये फाइबर्स रिलीज कर रहा है ठीक है ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज में मिलेगा एक्सेप्ट फॉर ब्लड एंड इससे कॉलेजन के मोटे मोटे फाइबर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं सो दीज आर कॉलेजन फाइबर्स ये यहां पे एडिपोज सेल्स आपको नजर आ रहे हैं एडिपोज टिश्यू के सेल्स कुछ ऐसे नजर आते हैं ठीक है तो ये एरियोलर में क्या करें थोड़े बहुत एडिपोज स्टोरिंग सेल्स हो सकते हैं ना वहाँ फैट स्टोरिंग सेल्स हो सकते हैं ना देखो दिस इज फैट ग्लोब्यूल बीच में फैट को स्टोर करने वाला ग्लोब्यूल है फैट का ये यहाँ पे न्यूक्लियस बेचारा साइड में हो जाता है तो ये अंगूठी जैसा शेप देने लगता है ये मैक्रोफेज है इट्स अ बिग डब्ल्यू ठीक है मोनोसाइट को कन्वर्ट कर देता है मैक्रोफेज में बॉडी तो ये बैक्टीरिया को खाने के लिए होता है दिस हीयर इज योर मास्ट सेल ये आपको पहचान में आ जाएगा ब्लूइश कलर का दिखाएंगे ऐसे न्यूक्लियस दिखाएंगे ठीक है बेजोफिल का से कन्वर्ट होकर बनाए सो ये भी आ सकता है आपको पूछ के कि क्या है बताओ ये आ सकता है ये फिगर ध्यान से देख लो आ चुका है ये ऑलरेडी डिपोज कनेक्टिव टिश्यू इट स्टोर्स फैट इट इज बिनि सबक्यूटिनियस लेर में फॉर पैकेजिंग ऑफ किडनी हार्ट हा हार्ट भी है हार्ट एंड आई बॉल्स सो यू कैन सी वेरी क्लियरली अगर ये डायग्राम आ जाए तो आप पहचान सकते हो एक मिनट एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट कॉल था कोई बात नहीं इट्स ओके दीज आर एडिपोसाइट्स इनके बीच में मोटा मोटा फैट स्टोर हो रखा है फैट स्टोरेज एरिया यहां पे इनका न्यूक्लियस है तो आपको देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है बीच में कि दिस इज टिश्यू कार्टिलेज सो कार्टिलेज और बोन में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कार्टिलेज और बोन दोनों के ही सेल्स मेट्रिक्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हालांकि वो अपनी मेट्रिक्स खुद से क्रीट कर रहे हैं बट उनके आसपास एक थोड़ा खाली स्पेस होता है विच इज कॉल्ड लेक्यूना और लैक्यूना के अंदर उसके सेल्स बैठे होते हैं कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइड्स एंड बोन के सेल ऑस्ट्रोसाइड बोथ आर सिटिंग इन अ बबल कॉल्ड लैक्यूना ठीक है इंटरसेल्यूनर मेट्रिक्स सॉलिड एंड प्लायल ये क्वेश्चन आता है कि कार्टिलेज की मेट्रिक्स कैसी होती है और जनरली बोन के कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है ठीक है एक मिनट मैं बोल ही देती हूँ वो इंपॉर्टेंट कॉल था मैं बोल देती हूँ एक मिनट रुक जाऊँ डन 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 क्वेश्चन आता है कार्टिलेज की मैट्रिक्स पे और उसको बोन की मैट्रिक्स से कंपेयर करने पे क्वेश्चन आता है बोन की मैट्रिक्स सॉलिड और नॉन प्लायबल होती है कार्टिलेज की मैट्रिक्स सॉलिड बट प्लायबल मतलब आप उसको फिर भी बेंड कर सकते हो जैसे ईयर पिन है देखो ना इसकी ये मैं बेंड कर सकती हूँ ना मैं मोड़ सकती हूँ बोन को थोड़े वैसे बेंड कर सकती हूँ या मेरी नोज टिप है ये मैं बेंड कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है सो इट इज सॉलिड ये लिक्विड तो नहीं है सॉलिड है एंड इट इज प्लायबल म एबल टू फोल्ड इट राइट बोन को मैं ऐसे नहीं कर सकती सो वाई इज कार्ट लिट सॉलिड एंड प्लायबल बिकॉज उसकी मेट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटन सल्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन है विच इज लिटिल बिट प्लाएबल बोन में कैल्शियम सॉल्ट है बहुत सारा कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑल्सो लॉट ऑफ कॉलिजन फाइबर्स आर देयर इट इज टोटली नॉन कम्प्रेसबल नॉन प्लायबल ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली इट रिजिस्ट कंप्रेशन बट स्टिल यू कैन डू लिटिल बिट

मेट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रोइन सल्फेट एंड कॉन्ट्रेन प्रोटीन राइट ये तुम लोगों को पता चल गया सो दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ कार्टिलेज हालांकि एन में थोड़ी सी गंदी फोटो है आपको ऐसे कुछ अजीब सी फोटो है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दो ऐसे दो कहीं ऐसे दिया हुआ है और ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसा कुछ फोटो है सो उसी को मैंने थोड़ा अच्छा बना दिया दिस इज अ अं ना जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइड पड़े हुए हैं ये कॉन्ड्रॉइडिन सल्फेट और कॉन्ड्रिन की मेट्रिक्स है एंड यू फाइंड द फाइबर्स देर राइट

देन द लास्ट कार्टिलेज हैल कार्टिलेज जिसमें एपेरेंटली फाइबर्स नहीं दिखते इट इज फाइबरलेस एपेरेंटली, विच इज़ द वीकेस्ट बिकॉज फाइबर्स नहीं है येलो इलास्टिक इज यू नो सिर्फ येलो इलास्टिक फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स इज द थिगेस्ट एंड द स्ट्रॉगेस्ट काटलेज इनकी लोकेशन बता होनी चाहिए पी वाई क्यूज में आई हुई है मोस्ट एबंडेंटेड इज हैल इन जितनी लॉन्ग बोन्स के एंड पे जो काटलेज होती है आर्टिकुलर काटलेज होती है जहाँ पे जॉइंट बनता है दैट इज हायलिन जब आपकी रिब्स स्टर्नम पे जॉइन करती हैं दैट जो कोस्टल कार्टलेज होता है दैट इज हाइलिन देन और कहाँ पे आपको हाइलिन मिलेगा कोस्टल hmm, कार्टलेज हो गया एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स हो गया नेजल सेप्टम देखो अगर मैं नाक को काट दूँ यहाँ पे साइड में ऐसे दिखा दूँ अंदर से सेप्टम तो यहाँ तो आपको बोनी पार्ट नजर आएगा बोनी पार्ट बोनी कौन सा पार्ट होता है एक तो वोमर होती है यहाँ पे नीचे यहाँ पे वोमर होती है ना ठीक है यहाँ पे इथमॉइड बोन की प्लेट होती है फिर यहाँ पे कार्टिलेज शुरू होता है यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होता है जो सेप्टम बनाता है और जो टिप होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है टिप ऑफ नोज इज इलास्टिक कार्टिलेज इसलिए उसने नेजल सेप्टम में हाइलिन कार्टिलेज डाला हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज हमेशा टिप्स पे मिलता है कान की टिप्स पिन्ना Ear की टिप्स सॉरी नोज की टिप यहाँ पे फिर ईयर के अंदर जो यूज टैशन ट्यूब होती है मिडल ईयर से जो गले में यहाँ पे खुल रही होती है दैट इज येलो इलास्टिक फिर यहाँ पे लैरिंग्स होता है ना वॉइस बॉक्स उसका जो ढक्कन होता है नहीं ए larynx box, larynx का नहीं। हाँ लैरिंग्स का जो तो ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस वो येलो इलास्टिक का होता है लेकिन लैरिंग्स खुद हाइलिन का बना होता है याद रखना है जो लैरिंग्स है वॉइस बॉक्स है वो हाइलिन का बना हुआ है उसके ऊपर

यहां पे भी आपको व्हाइट फाइबर कार्टिलेज मिलेगी जो कार्टलेजनस जॉइंट में मिलेगी बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड आर आर पैक्ड रेगुलर फाइबर्स यू नो प्रेजेंट इन पैरेलल बंडल्स जैसे कि टेंडन और लेगामेंट ऐसा देख रहे हो ये पहचानने के लिए आ जाएगा इसमें एनसीईआरटी में, में डायग्राम है पैरेलली फैशन में कॉलेजन फाइबर्स हैं और यहाँ पे बीच बीच में सेल्स पड़े हुए हैं टेंडन लेगामेंट

काटलेज पहले क्यों था वैसे पहले तो डेंस वाला ही आना चाहिए था बट कोई बात नहीं इट्स ओके बोन की बात करते हैं पहले बोन का एक जनरल स्ट्रक्चर बताती हूँ दिस इज अ लॉन्ग बोन दिस इज अ लॉन्ग बोन लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन के जो बीच वाला स्ट्रक्चर है दिस दिस लेंथ इसको डायफाइसिस बोलते हैं जो एंड वाले पार्ट्स होते हैं इनको एपीफाइसिस बोलते हैं यहाँ पे आपको एपीफाइजिल लाइन दिखती है एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो कि छोटे बच्चों में एपीफाइजल एफिफा, प्लेट होती है एपीफाइजल लाइन की जगह वो हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट होती है यहाँ पे बच्चों में हाइलिन कार्टिलेज होता है इस लाइन की जगह वो कार्टिलेज ग्रो करता है और वो धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होता है इसीलिए छोटे बच्चों की बोन्स बढ़ पाती हैं ये भी नीट का क्वेश्चन है कि बड़े लोग लंबे क्यों नहीं होते जो एडोलसन के बाद जो लोग होते हैं वाई डोंट वी ग्रो इन हाइट

ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना बंद नहीं होता है बड़ों में जब लोग एडल्ट हु की तरफ जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट खत्म हो जाती है ठीक है इसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ एपीफाइजल प्लेट एपीफाइजल प्लेट क्लोज हो जाती है मतलब हाइलिन खत्म हो जाता है या फिर सिर्फ हाइलिन की जगह एक लाइन बच जाती है देखते हैं मतलब एक निशान सा बच जाता है जिसे एपीफाइजल लाइन कह देते हैं

the bone which is present in the एपिफाइसिस it is called क्या बोलते हैं उसको स्पॉन्जी बोन स्पॉन्जी बोन क्यों होती है क्योंकि वो बोन टाइटली पैक्ड नहीं होती उस बोन के बीच में छेद होते हैं स्पॉन्ज की तरह है. और उन छेदों में एक रेड सब्सटेंस भरा होता है एक रेड कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो विच इज एक्चुअली द हाउस द प्लेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स ठीक है देखो यहाँ आरबीसी बन रहा है ये डब्ल्यू बी सी है दीज आर प्लेटलेट्स एवरी ब्लड सेल इज गोइंग टू बी फॉर्मड फ्रॉम द रेड बोन मैरो रेड बोन मैरो सभी बोन्स में नहीं होता ठीक है देर आर सर्टन बोन्स जहां पे आपको रेड बोन मैरो देखने के लिए मिलता है एंड ये बोन के पीसेस जिनके बीच में फंसा होता है रेड बोन मैरो इनको ट्रेबिक्यूले कहते हैं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है इट्स कॉम्पैक्ट बोन देर आर नो पीसेज ऑफ बोन क्लियर सो दिस चैप्टर एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी चैप्टर्स इट गिव्स यू द बेसिस ऑफ सो मैनी चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर ये चैप्टर आपको ध्यान से आता है तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी ग्रिप बना सकते हैं तो अगर आप रियली really में अपने फ्रेंड से प्यार करते हैं एनीबडी मतलब प्यार लड़का लड़की वाला ही प्यार नहीं नॉर्मल प्यार भी करते हो अगर तो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग गुड फॉर समबडी यू शेयर दिस लेक्चर विद दम एनिमल टिश्यू सबको आना चाहिए भैया एनिमल टिश्यू इंडिया के हर बच्चे को आना चाहिए वो मेडिकल का बच्चा भी ना हो सबको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में बेसिक बेसिक सी बातें क्या ठीक है सो इट हैज हार्ड एंड नॉन प्लायल ग्राउंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस ऑस्टिन प्रोटीन मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है और बहुत सारे कॉलोजन फाइबर्स मिलते हैं बोन इज अ लिविंग टिश्यू बोन हैज लिविंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स प्लीज रिमेंबर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी सपोर्ट्स एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्टर टिश्यू सो काम क्या है बोन का स्ट्रक्चर देना ताकि आप बोरी आलू की बोरी की तरह ऐसे ना गिर जाओ आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है अंदरूनी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप ठीक है ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लैक्युना आर बी एम रेडबोन मैरोज द साइड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स वेट बियरिंग फंक्शन एंड लोकोमोशन एक बार पी वाई क्यों आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक मिनट ये मेरे मुंह पे ठंडी हवा मार रहा है ऐसी कि तैसी इसकी ये जब ऐसे ऊपर मुड़ेगा ना तभी इसको बंद कर दूंगी चल चल फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम तो उसमें एक ऑप्शन ये था प्रोटेक्शन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मेरे को याद नहीं ऑप्शंस क्या थे एक था ब्लड प्रोडक्शन तो ब्लड प्रोडक्शन भी भैया स्केलेटल टिश्यू का ही पार्ट है क्योंकि स्केलेटल टिश्यू के अंदर ही तो हो रहा है रुकिया रुक या, रुक, या, रुक, या। रुक था, रुका तो है सो ब्लड प्रोडक्शन भी स्केलेटल टिश्यू के अंदर हो रहा है वेट बेयरिंग फंक्शन तो एक था प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग यू नो विंटर्स ये दिस अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू बिकॉज जो शिवरिंग होती है उससे हीट प्रोड्यूस होती है शिवरिंग इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मस्कुलर टिश्यू इसका बोन से कोई रिलेशन नहीं है सो दैट वॉज द पी वाई क्यू ये डायग्राम एनसीआर में दिया हुआ है यह आपको डायरेक्टली पहचानने के लिए आ सकता है किस टिश्यू उसमें है, है उस ऐसे सर्कल्स में आपको बोन सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स मिलते हैं ये ग्रीन कलर के लैक्यूना में पड़ा हुआ पर्पल कलर का सेल ऑस्टियोसाइट है सो दिस इज दैक्यूना राइट एंड ये जो

एंड कॉलेजन फाइबर्स एंड ऑसिन प्रोटीन सो इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर है दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हैवर्जन सिस्टम इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन्स इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन बोन्स सिर्फ मैमल्स की बोन्स में देखने के लिए मिलता है ये भी पी वाई क्यू है कि आपको हेवरजन सिस्टम मेमिलियन बोन्स में मिलता है ठीक है मस्कुलर टिश्यू अब लास्ट के दो छोटे छोटे टिश्यू रह गए हैं जो मेन बड़े टिश्यूज थे वो जा चुके हैं मस्कुलर टिश्यू इज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ योर बॉडी इट हेल्प्स इन मेजोरिटी ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इसके PYQs आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मिलेंगे एक्टिन एंड मायोसिन अगर आपने मेरी वो क्वेश्चन वाली क्लास लगाई होगी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तो उसमें आप लोगों की बहुत ऐसी तैसी हुई होगी इन में होपफुली मस्कुलर टिश्यू तीन प्रकार के मसल सेल्स देता है स्केलेटल जो कि स्केलेटन पे चिपकी होती है ठीक है विसीरल जो कि विसीरल ऑर्गन्स की वॉल्स बनाती है मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स बनाती है एंड कार्डियक जो कि हार्ट बनाती है

मैं अपनी पलकों को अपनी मर्जी से झपका सकती हूँ क्योंकि मेरी आईलेट की मसल वॉलेंट्री है लेकिन मैं अपनी पेरिस्टाइल्सिस खुद नहीं कर सकती क्योंकि वो इन है ठीक है एबडामिनल वॉल इज़ अ व वॉलेंट्री मसल बहुत बार क्वेश्चन आता है एबडामिनल ये मेरी जो तोंद है तोंद की जो वॉल है मैं अपनी तोंद को ऐसे अंदर बाहर कर सकती हूँ ना मैं अपनी तोंद को ऐसे हिला भी सकती हूँ बेली डांस करने के लिए है ना तो ये वॉलेंट्री मसल है ठीक है इट इज क्लोजली टू स्केलेटल बोन्स इट इज यू नो फॉर्म्स वॉल्स ऑफ फॉर्म ऑफिस इट इज फाउंड इन हार्ट ये गलत मत कराना इतना सिंपल क्वेश्चन फोटो ये देख लो स्केलेटल मसल सेल सेल्स की बात हो रही है किसी भी शेप की हो सकती है सेल इज इन शेप इट इज मल्टी मल्टीन्यूक्टेड एंड इट इज अंशियम वायर सें जब एम्ब्रियोनल टाइम में बहुत सारे सेल्स से मिलके ये एक सेल बन गए थे और इनका न्यूक्लियस सबका एक ही सेल में तैर रहा है फिर तो मल्टी सेलर कंडीशन कैन बी अचीव बाई टू टाइप्स टाइप एंड सीनोसाइट है ना सो so, है ये सीनोसाइट क्या होता है जब हैपन्स बट डज नॉट हैपन पचास बार रिपीट कर चुकी हूं इट इज इजेड यू कैन सी द इट इज नॉन इट इज नॉट ब्रांच्ड सिंपल सिलेंडर्स हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं राइट स्ट्राइशंस के साथ द सीरियल मसल सेल्स जो कि इनवोलंटरी no, होते हैं इनमें कोई स्ट्राइेशंस नहीं होती दे आर स्पिंडल शेप्ड या फ्यूजी फॉर्म इसी को फ्यूजी फॉर्म शेप कहते हैं इसी को स्पिंडल शेप भी कहते हैं पी बाय क्यूज आते हैं इनमें बहुत सारे भैया स्पिंडल शेप ठीक है यूनि न्यूक्लियेटेड जैसे एक सिंगल न्यूक्लियस बीच में जैसे आंख की शेप का होता है ना आंख में एक ही आइरिस होता है बिल्कुल वैसे ठीक है इट इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स स्टमक इंटेस्टाइन देर स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में क्यों बेटा ब्लड वेसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू यू नो सेटल डाउन यूर बीपी जैसे आपने ज्यादा पानी पिला तो ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती है ताकि बीपी ना बढ़ जाए आपका ठीक है समथिंग लाइक दैट देन कार्डियोपिक्वेश्चन आता है भैया पहली बात तो ये दे आर ब्रांच एंड दे आर सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच देखो दिस इज वन सेल

एंड ऑल्सो डेजमोजोम्स इंटरकैलिटिड डिस्क से कॉन्ट्रेक्शन का सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल पर पास करेगा कॉन्ट्रेक्शन का सेल क्या होता है बेसिकली सोडियम होता है कॉन्ट्रेक्शन का सिग्नल सो सोडियम सेल टू अदर सो दिस सेल दे कनेक्ट एज अ यूनिट सारे सेल्स एक साथ ऑलमोस्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वाई एन सी आर टी की लाइन है ये वाई दे कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट बिकॉज दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एज अट ड्यू टू इंटरकैलेटेडस टिश्यू खत्म न्यूरल पे स्क्रीन शॉट चाहिए ये नोट्स अलोंग विद

दैट वहाँ पे मैं क्रैश कोर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी कराऊंगी बट मैं नी 2022 के बच्चों को बहुत सारे पी वाई क्यूज भी करा रही हूँ एंड वी आर स्टिल डूइंग लॉट ऑफ़ पार्ट्स क्वेश्चन चैप्टर्स जैसे मैं अभी जेनेटिक्स डिटेल में कराऊंगी क्योंकि जेनेटिक्स इज समथिंग जो बच्चे भूल जाते मैंने साल के शुरुआत में कराया था आई एम गोइंग टू डू इट अगेन देन एवल्यूशन ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आएम गोइंग टू डू इट अगेन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉड ऑफ क्वेश्चन एंड पी वाई क्यू सो देट यू आर वेरी कम्फर्टेबल विद योर सेलेबस सो आप उसके लिए भी कर सकते हो न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यूज आर एक्साइटेबल सेल्स बट सो आर मसल सेल्स इवन दो ही प्रकार के टिश्यूज एक्साइटेबल होते हैं न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू इज एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स न्यूरोज एंड न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया सपोर्ट स्टाफ है न्यूरोग्लिया इज नॉट एक्साइटेबल ओनली न्यूरोज आर एक्साइटेबल दिस टिश्यू एक्ज द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिजिंग इन कंडीशन न्यूरोग्लिया विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द न्यूरॉन्स मेकअप ये इसमें नीट का क्वेश्चन पी वाई क्यू आया था फॉल्स में आ गई थी स्टेटमेंट आई थिंक जहां तक मेरे को याद है मेकअप मोर देन हाफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी बॉडी में जितना न्यूरल टिश्यू है उससे आधे से ज्यादा न्यूरोग्लिया बनाता है न्यूरोग्लिया है दिस वॉज द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आई थिंक चार स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स बताना था सो दिस हैजरेडी कम इन नीट दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ अ न्यूरोन इसमें आप जब न्यूरल कंट्रोल वाले के जो पीवाई करोगे तो इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको सो so यही पढ़ लो अच्छा है देर इज अ बेसिक सेल बॉडी कॉल्ड साइट ऑल्सो कॉल्ड सेल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड सोमा ऑल्सो कॉल्ड पेरी ये सभी सेल बॉडी के ही नाम है जो चार पर, चार पैर चार, चार चार पांच तार लग गया दिमाग के पेरीकेर बी सी का नाम है सोमा भी इसी का नाम है साइटोन बी इसी का नाम है सेल बॉडी भी इसी का नाम है इट हैज दी सेंसरी प्रोजेक्शन जहां से सिग्नल रिसीव करता है जैसे यहां पे हो सकता है एक और न्यूरोन तो इससे सिग्नल यहां रिसीव करेगा ठीक है अलग अलग न्यूरोन से भी सिग्नल रिसीव कर सकते हैं ये दी सेंसरी प्रोजेक्शन आर कॉल्ड डेंड्राइट ठीक है ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है यहां पे इसके साइटोप्लाज्म में ये नीट का क्वेश्चन है दिस इज ए पीवाई क्यू आपको छोटे छोटे दाने से नजर आएंगे इसके साइटोप्लाजम ऑल्सो डेंड्राइट के साइटोप्लाज्म में भी पर एक्सॉन में कभी नहीं एक्सॉन में कभी नहीं सिर्फ ये भी पीवाई क्यू है कि कहां पे मिलता है तो एक्सॉन में कभी नहीं मिलता यहां मिलता है यहां मिलता है दीज ग्रेन्यूल्ड ग्रैन्यूल्स एंड दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरॉन्स ओनली क्वेश्चन ये था आर वर ग्रेन्यूल्स नाउ दिस वॉज एन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बट क्या हम उसको आउट ऑफ एनसीईआरटी कहेंगे जब में दिया हुआ है तो क्या हमारा फर्ज नहीं था खुद से जानने का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस मतलब रफ जिन पे राइबोसोम चिपके हुए प्लस फ्री राइबोसोम्स दिख रहा है आई डोंट नो दिस इज बेसिकली आर आर आईव मेड इट अस वेट दिस इज बेसिकली रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोजो ये क्वेश्चन था कि ये होता क्या है ओके देन देर इज दिस लॉन्ग प्रोजेक्शन कॉल्ड एक्जॉन जिससे कि सिग्नल अगले न्यूरॉन को पास आउट होगा सो डेंड्राइट और एग्जॉन में ये फर्क है कि डेंड्राइट से रिसीव होता है एग्जॉन से ट्रांसमिट होता है फर्दर इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कह देंगे एक्सोप्लाज्म, ठीक है एंड इस मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कह देंगे दिस यू नो सेल में दिस विल बी कॉल्ड एक्सोलेमा इसके ऊपर एक सेल ऐसे चिपटा होता है कि आ गले लग जा कहीं चले मत जाओ दिस सेल इज कॉल्ड श्वान सेल ये तो पूरा रैप्ड श्वान सेल यहाँ पे मैंने काट के दिखाया श्वान सेल ये श्वान सेल लेयर्स में लिपटा होता है इस तरीके से एंड श्वान सेल की जो बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड न्यूरोलेमा श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहते हैं श्वान सेल सिर्फ पेरीफुलर पीएनएस पेरीफ्र नर्वस सिस्टम में मिलता है तो इसलिए न्यूरोलेमा भी सिर्फ पीएनएस में ही मिलती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में श्वान सेल नहीं मिलते वहां इनकी जगह ओलिगोडेंड्रोसाइट मिलते हैं सो श्वान सेल इज ऑल्सो न्यूरोग्लिया ओलिगोडेंड्रोसाइट इज ऑल्सो न्यूरोग्लिया बहुत न्यूरोग्लिया है ठीक so, है लेकिन ये सी में नहीं मिलता तो न्यूरोलेमा भी सी एन एस में नहीं मिलती क्योंकि न्यूरोलेमा इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल श्वान सेल अपने अंदर बहुत सारा फैटी टिश्यू जमा करके रखता है विच इज कॉल्ड माइलिन शीथ तो यहाँ पे आपको ये माइलिन शीथ नजर आ रही है रैप्ड सो यू विल सी लॉट ऑफ शीथ हियर, विच आई हियर माइलिन शीथ ठीक है जहां पे गैप है बीच में माइलिन शीथ के बीच में दीज आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर राइट right? यहां पे अल्टीमेटली एक्जॉन टर्मिनल है और एक्सॉन टर्मिनल के यहां पे ऐसे कुछ ऐसे बल्ब जैसे नजर आते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड साइनेप्टिक एंड बल्ब दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन यू कैन टेक अ शॉट क्या तुम्हें पता चल रहा है कि मैं स्क्रीन के साइड में खड़े होकर डांस कर रही हूं अब तो पता चल ही रहा होगा। जो कि परसेंट से भी ज्यादा है राइट कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ठीक है लेकिन जो मैंने अभी न्यूरॉन बना के दिखाया था दैट वॉज अ मल्टीपोलर न्यूरोन पर ऐसा नहीं है कि और प्रकार के न्यूरोन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते द सिंपलेट टाइप ऑफ न्यूरोन इज कॉल्ड अ यूनीपोलर न्यूरॉन विच इज़ नॉट वेरी नाइसली मेड हेयर सो उसका डाइग्राम मुझे ऐसे बनाना चाहिए था जस्ट अ सिंपल स्ट्रक्चर लाइक दिस मतलब देर इज़ नो डेंड्राइट एग्जॉन अलग से जस्ट वन प्रोजेक्शन जो कि आपको एडल्ट बॉडी में मिलता भी नहीं है ये एम्ब्रियोज में आपको मिलता है नॉट अ वेरी गुड डायग्राम ठीक है बायपोलर न्यूरॉन में यू गेट टू प्रोजेक्शन लाइक दिस लाइक दिस इट्स लाइक अ टॉफी ये आपको रेटिना में देखने के लिए मिलेगा ठीक है देन देर इज समथिंग कॉल्ड सूडो यूनिपोलर जो कहता है कि मैं यूनिपोलर हूं उसमें से एक ही प्रोजेक्शन निकलती है लेकिन ये झूठ है सूडो मीन झूठ ये आगे जाके दो प्रोजेक्शन में टूट जाता है सूडो यूनिपोलर ये आपको मिलता है इन डॉर्जल रूट गैंगली ऑफ स्पाइनल नर्व इसका मतलब क्या है जब आप मेरे से न्यूरल टिश्यू वाला चैप्टर न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा बट ये आई थिंक पी वाई क्यू है आई थिंक दिस इज अ पी वाई क्यू कि आपको सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पर मिल रहा है एंड दिस इज नॉर्मल मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसके बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्जोन एक है जो कि आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिल रहा है क्लियर अगर मैं न्यूरोग्लिया की बात करूं तो न्यूरोग्लिया आपको पीएनएस में भी मिलेगा सीएनएस में मिलेगा पीएनएस के न्यूरोग्लिया में स्वान सेल इज द मेन यू नो कैंडिडेट सीएनएस में यू विल यूल ओलिगोडो एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लायल सेल्स माइक्रोग्लायल सेल्स आर आई थिंक दे आर फैगोसाइटिक सेल्स फैगोसाइटोटिक सेल्स जो कि बैक्टीरिया वगैरह खाने के काम आते हैं एस्ट्रोसाइट्स मेरे ख्याल से बीबी ब्लड -ब्रे, ब्रेन बैरियर बनाते हैं बट आई फॉरगॉट दीज विच ओके आता भी नहीं है नीट में आता भी नहीं है जहां तक मुझे याद है एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं और सेल्स जो होते हैं वो फैगोसाइट्स होते हैं राइट सो इसी के साथ मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो तुम लोग कि नहीं ओ oh, मेरा फोन बंद हो गया आई कै नॉट एक्चुअली सी योर आंसर्स माई फोन इट्स डेड बट दैट इज फाइन आई एम गोइंग टू मैं अपनी इमेजिनरी दुनिया में तुम्हें क्वेश्चन दूंगी और मैं ज्यूम करूंगी तुमने आंसर दे दिया एंड फिर मैं अपना आंसर खुद ही मार्क कर दूंगी राइट लेट्स डू दिस एनिमल ओके दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 ओके क्यूबॉइडल एपिथिलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलियम ब्रश बॉर्डर के साथ कहां मिलती है बहुत ही डिटेल में अभी भी बात करके हटे हम इसके बारे में ए लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन आई डोंट थिंक सो बी डाइवरी ग्लैंड सी प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन डी यूस्ट एशियन ट्यूब द करेक्ट आंसर मैं अब तक सोच रही हूं अज्यूम कर रही हूं कि तुम दे चुके हो इज इज्रोक्सिमल वाई एम नॉट एबल टू मार्केट कॉन्वल्यूटेड टिब्यून याद है मैंने नेफ्रॉन में कराया था जो पी सी टी होता है उसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉयल होता है इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर कॉलोमर है याद करो डक्ट ऑफ ग्लैंड में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है आपको डक्ट्स ऑफ लार्जर ग्लैंड में मिलता है जैसे जैसे कार्टिलेज से बना होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज येलो इलास्टिको इलास्टिको इलास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल आर मोडिफाइड फ्रॉम ये आया था नीट दो हजार बीस का ही क्वेश्चन है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल आर मोडिफाइड फ्रॉम इक्कीस में भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन क्वेश्चन ऑन सेल तो वो मैं डालना भूल गई सो uh, so इसलिए से है 21 में भी एक आया इससे एपीलियल सेल्स ऑफ आर मॉडिफाइड फ्रॉम सेल्स बात की थी अभी अभी हमने लेक्चर में सो so मैं करके चल रही हूँ जब तक मैं The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in ciliated epithelial cells. They are not specifying ciliated cuboidal or ciliated columnar, they are just saying ciliated epithelial cells. Easy question. Should I solve this? ब्रोंकिूल्स और फेलोपियन ट्यूब दोनों में मिलते हैं बाइल डक्ट में नहीं मिलता पैंक्रियाटिक ड्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मिलता है डक्ट में आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मिलता है है ना देखो बार बार वही ऑप्शन दे रहे हैं आपको जो आपको पता होने चाहिए यू स्टेशन में आपको कार्टिलेज मिलता है सो so, आपका आंसर है ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स ए इज द आंसर मार तो हुआ नहीं है तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी फोर्थ match the following structures with its characteristic feature it came in 2019 neat Pehle tum match karlo, fir main match karo. match the following cell structure with its characteristic feature can I do it so i think this is not just tight it is tight junction right cement the neighboring cells together to form sheet transmit information through chemicals to another cell establish a barrier to prevent leakage of fluid so barrier i am very sure this has to be tight junction establish a barrier to prevent leakage

जोड़ना आपस में नेबरिंग सेल्स टुगेदर आंसर आप लोग बना लीजिए जो भी बनता है इट मस्ट बी ए का थ्री ए का थ्री तो सिर्फ एक ही है ये बनना चाहिए बी का वन सी का फोर डी का टू बिल्कुल सही आगे चलेंगे देखो दिस इज टू थाउजेंड नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थाउजेंड सिक्सटीन में बहुत गंदे क्वेश्चन आए थे नीट में बट दिस इज वेटी सिंपल स्मूद मसल्स आर आपको से स्मूद मसल के तीन फीचर्स ढूंढने आइए ओके स्मूद मसल्स आर इन वॉलेंट्री फ्यूजी फॉर्म नॉन स्ट्राइटेड पहला ही आंसर है वॉलेंट्री नहीं होते मल्टी मल्टीन्यूक्लियर नहीं होते सिलेंड्रिकल नहीं होते ये तो तीनों ही स्केलेटल मसल के फीचर्स हैं इन वॉलेंट्री सिलेंड्रिकल और स्ट्राइटेड नहीं होते वॉलेंट्री नहीं होते बाकी तो शुड बी हाउ सिंपल इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नीट दो हजार सोलह का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विट इट्स लोकेशन आई गिव यू समाइम इतनी सुकून की सांस ले पाती हूं मैं जब मेरी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता तो अब आएगा भी नहीं होपफुली uh, आओ देखें लेट मी कम हियर ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या टिप ऑफ नोज में मिलता है नहीं टिप ऑफ नोज में तो हमारा येलो इलास्टिक कार्टिलेज मिलता है क्यों बॉयर क्या लाइनिंग ऑफ स्टमक में मिलता है नहीं यहाँ पे तो कॉलमनर एपिथिलियम मिलता है स्मूथ मसल स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है हाँ मिलता है टिश्यू टेंडर में मिलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलता सो योर आंसर मस्ट बी सी द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज़ देखो जंक्शन पे कितने क्वेश्चन आए हैं छोटा सा टॉपिक 2015 का क्वेश्चन है ये आप लोग ढूंढिए द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज मेरे पास इसके 45 फाइव पी वाई क्यूज है तो मैं 45 के 45 तो यहाँ पे नहीं कराऊंगी ठीक है so, सो ये बाकी पी वाई क्यूज में आपको करने के लिए दे दूंगी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऋतु रतेवाल द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू सेपरेट टू सेल्स नो इट कनेक्ट टू सेल्स साइटोप्लाजम्स स्टॉप फ्रॉम लीकिंग तो टाइट जंक्शन का फंक्शन है परफॉर्मिंग सीमेंटिंग नहीं है तो एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन है सीमेंटिंग करना एडहेरिंग और डेस्मोजोम्स का फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर 2014 का क्वेश्चन है मैं क्वेश्चंस तो लेके आई हूँ ऐसे 1995 तक के चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर आप लोग चूज कीजिए फिर मैं चूज करती कर अच्छा एनसीईआरटी में एक दिक्कत ये है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को एक जगह एनसीईआरटी ने लिया हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू और जो पीछे समरी में दिया हुआ है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है एनसीईआरटी में ठीक है आओ देखते हैं टेंडन स्पेशलाइज नहीं टेंडन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज डेंस तो है ही नहीं भैया लूज में ही आता है ठीक है एरियलर इज लूज ये सही है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर 2014 का क्वेश्चन है चूज कर लो फिर मैं चूज करती हूँ आओ देखते हैं इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स सिलिएटेड एपिथीलियम तो कहीं पे भी नहीं है ना सिलेटेड एपिथिलियम तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फ्लोपिन ट्यूब में है कहाँ बोला हमने डक्ट में होते नहीं मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी अब देखो ये तुम सोच सकते हो कि ग्लैंडुलर एपिथिलियम है क्योंकि इतना सारा सलाइवा रिलीज हो रहा है बट एक्चुअली इट इज नॉट बक्कल कैविटी के अंदर से सलाइवा नहीं रिलीज हो रहा होता बक्कल कैविटी ये दिख रहा है तुम लोगों को बक्कल कैविटी के अंदर से

ये भी पी वाई क्यू एक और पी वाई क्यू था ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट थी कि सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी तो वो ट्रू स्टेटमेंट थी एनसीईआरटी की लाइन so, है ठीक है सो इट इज नॉट एक्चुअली ग्लैंडुलर है के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केरेटेनाइज सो दिस इज रॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफरेंस एपिथीलियम से बना होता है ये एनसीईआरटी की लाइन है अब तुमको मैम स्क्वामस भी तो होता है एनसीईआरटी की लाइन है एनसीईआरटी पढ़ो इनर सर्फेस ऑफ ब्रॉन्क्यूल्स स्क्वामस का नहीं होता इट इज सिलिएटेड कर्नाटका नीट दो हजार तेरह का क्वेश्चन है ओके आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम एंड मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन आई होप इट्स क्लियरली विजिबल टू यू किस चीज का डायग्राम है ये मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये सिलेंड्रिकल सेल्स हैं और ये स्ट्राइटेड है और ये नॉन ब्रांच्ड है तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ गया कि ये कार्डियक सेल तो है नहीं कार्डियक आर ब्रांच्ड स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड तो या तो ये ये है या तो ये स्ट्राइटेड मसल्स टेपरिंग एट बोथ नो दे का मतलब ठीक है दे आर नॉट टेपरिंग दे आर सिलेंड्रिकल स्केलेटल मसल्स शो स्ट्राइशंस एंड आर क्लोजली अटैच टू बोन्स ऑफ द लिम्स सो यी मस्ट बी द करेक्ट आंसर टेपरिंग मीन्स गोइंग लाइक दिस क्लियर ये एन सी आर टी का डायग्राम है तो एनसीआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है मेरी पीपीटी कितनी भी देख लो अगर एनसीआरटी नहीं पढ़ के जाओगे तो हंड्रेड परसेंट नहीं करेक्ट कर पाओगे एनसीआर टी को साथ लेके चलोगे एनसीआरटी को की बाजू में बाजू डाल के चलोगे तो ही हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं मेंस 2012 तब प्री मेंस ऐसे कॉन्सेप्ट था ये किसकी फोटो दी हुई है गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये तो याद आ गया देखते हैं हमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है आइडेंटिफाई पार्ट ए बी सी डी दिस इज एन रूरलर कनेक्टिव टिश्यू राइट

एक ही लाइन में इट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दिस इज अ ग्लैंड दिस इज अ कार्डियक मसल सेल सो मी सी बी इज ग्लैंडुलर एपिथीलियम सही है ये इंटेस्टाइन में मिलती है ये भी सही है इंटेस्टाइन में ग्लैंड होते हैं सिक्रीशन करती है सही है तो ये मेरे को लगता है सही ऑप्शन यही होना चाहिए सी इज कॉलेजन फाइबर्स नो सी इज नॉट कॉलेजन फाइबर्स सी इज अ कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर कॉलेजन फाइबर्स है सी इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू

सिलिएटेड कॉलमनर मैं तो मैं टाइम भी नहीं दे रही एंड ट्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ब्लड वेसल्स को लाइन करता है कौन सा सेल मेंस 2011 2010 सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इस उससे मिल जाएंगे तुम्हें क्लास से इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्कॉर्मस राइट सो देयर आर क्लोज टू फोर्टी क्वेश्चन हियर इन दिस पी पी टी उन क्वेश्चन को आप देखना चाहते हो और ये अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए रितु रतेवाल नाम से आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप मिल जाएगा इट्स अ पब्लिक चैनल यू कैन ज्वाइन देअर राइट अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते ले सकते हैं और लेना चाहते हैं दोनों ही चीज़ें हैं अगर आप दोनों ही कैटेगरीज आपकी टिक हो रही हैं चेक हो रही हैं सो प्लीज़ कनेक्ट विद दस ऑन प्लस इफ़ यू वॉन्ट टू बाई यू नो पुटिंग कोड रितु आर आई टी यू दिस कोड विल हेल्प यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज़ पॉसिबल एंड यू विल बी यू नो यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप्स माई क्लासेज टू लर्न फ्रॉम मी देयर एंड इसके क्वेश्चन मैं थोड़े से बना लूँ अच्छी तरीके से बन तो गए हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करना है देन आई एल गिव यू क्लास क्लास कैसे ज्वाइन करनी होती है स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करनी होती है आपको टेलीग्राम पे मैं एक लिंक भेजती हूँ आपको उस लिंक पे क्लिक करना होता है दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास बट स्टिल इट इज़ इट विल आस्क यू फॉर अ कोड यू पुट द कोड आर आई टी यू एंड यू एंटर द क्लास एंड देन यू कैन यू नो पार्टिसिपेट इन द पोल्स अगर आपके वहाँ पे 80-90 परसेंट क्वेश्चन सही हो गए हैं तो इस चैप्टर की तैयारी हो चुकी है अगर वहाँ पे क्वेश्चंस आपके 90 परसेंट से कम सही हो रहे हैं तो आपको ये चैप्टर दोबारा से पढ़ने की जरूरत है और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पे uh, कल इफ़ पॉसिबल लेट मी टेक द क्लास ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाई बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बिकॉज उसके नोट्स रेडी हैं इसी तरीके से रिटर्न नोट्स रेडी हैं तो मैं सोच रही हूँ वो इजिली मैं ले पाऊंगी एंड यू विल कम्प्लीट वन मोर चैप्टर तो इफ़ पॉसिबल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई टेक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनिजम एंड पॉपुलेशन के नोट्स रेडी हैं बट उसको पढ़ाने की थोड़ी मेरी हिम्मत नहीं होती तो वो मैं पढ़ा दूंगी थोड़े टाइम बाद आई एल सी यू Uh, hopefully, tomorrow or day after tomorrow, I'll see you. Thank you so much for um, being here. Thank you. Bye.